हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम हाईवे इंजीनियरिंग का रिवीजन सेशन करने वाले हैं और इसमें हम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही रिवाइज करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब ये क्लास अपनी पेड कोर्स में हो रही है, इसका मतलब आप सब ऑलरेडी हाईवे इंजीनियरिंग जीटेक पॉली से पढ़े हुए हैं, तो जो चीजें आपने पढ़ी हैं हम उन्हीं को रिवाइज करेंगे ताकि आपको चीजें एकदम से समझ में आ जाएं और स्पीड से भी हम चल सकें। ओवरऑल चैप्टर्स की बात करें बच्चों, आप सबको पता है टोटल 10 चैप्टर्स हैं इसमें, और 10 चैप्टर्स हमने ऐप पर टोटल 35 लेक्चर में कवर किए थे। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आप सबको क्लियर कर दूं, हालांकि जो बच्चे ऐप पर कोर्स लिए थे बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो रहे थे रिविजन को लेकर के, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ये 35 लेक्चर थे और ये वे लेक्चर्स थे जिनमें सारा कंटेंट अवेलेबल था। अगर आप कोशिश करते पिछले 2 दिन के अंदर, अगर आप डेली बेस पर 10 लेक्चर भी रिवाइज करते तो बहुत आराम से 3 दिन में आराम से 30-35 लेक्चर रिवाइज कर सकते थे। लेकिन फिर भी मैं समझ सकता हूँ, कुछ पार्ट इसमें एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ाया गया था जो इम्पोर्टेंट नहीं था, तो बहुत सारे टॉपिक्स आपने पहले से पढ़े होंगे। बट यहाँ पर हम करेंगे तो वही जो लेक्चर्स आपको पढ़ाए गए थे उन्हीं को रिवाइज, लेकिन सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे, एग्जाम में आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से भाई सब बच्चे आ जाइए एक बारी। ठीक है, आ गए सभी बच्चे, चलिए बहुत बढ़िया, तो शुरू कर लेते हैं भाई इन 35 लेक्चर्स में से। देखिए हम इसको 2 पार्ट में बांट रहे हैं बच्चों, 2 पार्ट में बांट रहे हैं। पहला पार्ट अभी ये हो रहा है पार्ट 1, तो पार्ट 1 में टोटल हम लगभग 20 लेक्चर रिवाइज कर लेंगे पूरी तरह से, और पार्ट 2 जो होगा अपना पार्ट 2, उसमें हम लास्ट वाले 15 लेक्चर रिवाइज करेंगे, तो इस तरह से 35 लेक्चर हो जाएंगे। बाकी कोशिश करते हैं अगर 20 से भी ज्यादा लेक्चर इसमें हो गए तो और ज्यादा कर पाएंगे। अब एक चीज बता दें, ओवरऑल चैप्टर तो हमारे 10 हैं, लेकिन इनमें से जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर हैं बच्चों, वो काफी बड़े बड़े चैप्टर हैं, और 4 नहीं बल्कि 5 चैप्टर बहुत बड़े हैं। सोचिए इन 35 में से लगभग 26 लेक्चर में आपके 5 चैप्टर हुए हैं, और बाकी के जो 5 चैप्टर आपके मात्र नौ लेक्चर में हो गए। यानी स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर्स हैं उनको कवर करने में टोटल 26 लेक्चर लगे थे, और बाद के 5 चैप्टर को कवर करने में मात्र 9 लेक्चर लगे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ये बाद के चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो शुरुआत वाले चैप्टर है 5, इनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर बाकी के जो बचेंगे 5 चैप्टर इनको दूसरे पार्ट में रिवाइज कर लेंगे। तो 20 लेक्चर ना करके हम लगभग 26 लेक्चर करने की पूरी कोशिश करेंगे। स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन रखिएगा, ठीक है, और समझते चलिएगा तेजी से चीजों को। तो लास्ट के 9 लेक्चर आपके सुबह हो जाएंगे, जिनमें आखिरी के 5 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि बाद के चैप्टर्स आप लास्ट टाइम पे पढ़ के जाएंगे तो आसानी से याद रहेंगे, और शुरू के चैप्टर्स तो हम बार बार पढ़ते हैं तो वैसे ही याद है लगभग वो आपको। ठीक है, चलिए भाई शुरू कर लेते हैं अब, है ना, और सिर्फ पढ़ाई करेंगे बच्चों, बात कोई नहीं करेगा। देखिए एक चीज मैं बता दूं, बहुत बच्चे कहते हैं सर इम्पोर्टेंट बताइए, इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है। तो अगर इम्पोर्टेंट की बात करें बच्चों, इम्पोर्टेंट की बात करें तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो आपका सिलेबस होता है ना, सिर्फ ये इम्पोर्टेंट होता है, चाहे आप कोई भी सॉल्ट पेपर खरीद लें, चाहे विद्या क्वेश्चन बैंक खरीद लें, सब बेकार है इस सिलेबस के सामने। अभी तक जितने भी सेशन अपने लेता हूँ ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करता हूँ, और पूरा 100% पेपर मैच कर जाता है अपने लेक्चर से ही। तो पहले चैप्टर में सिलेबस की बात करें, पहले हम भाई हाईवे इंजीनियरिंग का इम्पोर्टेंस क्या इसको समझ लेंगे, इसके बाद फंक्शन देखेंगे हम IRC के, CRI के, C और इसके बाद MORT के, एंड देन आफ्टर हम MORT एंड HK और इसके बाद NHAI के। इन भाई 4 चीज, कितने, 1 2 3 4, इन चारों के फंक्शन पढ़ेंगे। ये फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। रोड का क्लासिफिकेशन आप लोगों को ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं बता दूंगा, और मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट हाईवे, मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम और क्लासिफिकेशन जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। पहला चैप्टर ऑलरेडी सब बच्चों ने पढ़ा होगा। सबसे पहले हम हाईवे इंजीनियरिंग के महत्व की बात करें भाई, तो इसका क्या महत्व होता है बच्चों, ध्यान से सुनते चलेंगे। सबसे पहला महत्व, टोटल इसमें 10 महत्व हैं भाई हाईवे इंजीनियरिंग के। इनमें से कुछ महत्व ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी याद है पहले से। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि आप ये बताइए सड़क यातायात का महत्व क्या है, या फिर हाईवे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्या है, तो आप कह देंगे भाई एक जगह से दूसरी जगह हमें जाना है तो हमें हाईवे की जरूरत पड़ेगी, हमें कोई सामान ट्रांसपोर्ट करना है तो हाईवे हमें चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, आपको अगर कम और मध्यम दूरी है भाई और इसके लिए यात्रा करनी है, या फिर सामानों के यातायात में भाई सड़कें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं,
यानी अगर आपको कम और मध्यम दूरी के लिए यातायात करना है तो सड़कें महत्वपूर्ण होती हैं। ज्यादा दूरी के लिए ट्रेन हो गई और बहुत ज्यादा के लिए आपका एयरपोर्ट हो गया, यानी एयरवे से जा सकते हैं आप। लेकिन कम और मध्यम दूरी के लिए यात्रियों और सामान की यात्रा अगर हमें करनी है भाई, तो उसके लिए क्या जरूरी है, आपका हाईवे जरूरी है, पहला महत्व है। दूसरा महत्व होता है भाई सड़कों का निर्माण। सड़कों का निर्माण और जो अनुरक्षण है यह अपेक्षाकृत आसान और सस्ता पड़ता है। अगर हमें भाई हाईवे इंजीनियरिंग की नॉलेज होगी तो हमारे सड़कों का निर्माण और अनुरक्षण, पहली बात तो यह है कि हाईवे का ही यूज क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इनका निर्माण और अनुरक्षण भी सस्ता पड़ता है। दो महत्व तो याद हो गए। अगर आपको कम और मध्यम दूरी के लिए यात्रियों और यातायात को भाई क्या करना है, यात्रियों और सामान के यातायात में आपकी जो हाईवे है बहुत जरूरी है। दूसरा, सड़कों का निर्माण और अनुरक्षण जो होता सस्ता पड़ता है, इसीलिए हाईवे आपका महत्वपूर्ण हो गया। तीसरा क्या है, सड़क यातायात द्वारा हम क्या कर सकते हैं भाई, फार्म, फैक्ट्री, इसके अलावा बाजार आदि को आसानी से जोड़ सकते हैं। जो भी फार्म्स हैं, जो भी फैक्ट्रीज हैं और मार्केट हैं, इनको हम सड़क हाईवे इंजीनियरिंग के द्वारा या हाईवे ट्रांसपोर्ट के द्वारा आसानी से जोड़ सकते हैं दूसरे के साथ। तीनों याद हो गए सब बच्चों को, ठीक है, साथ साथ सुनते चलेंगे तेजी से। पहला क्या बताया, कम एवं मध्यम दूरी के लिए यात्रियों और सामानों के यातायात के लिए हाईवे महत्वपूर्ण है। दूसरा बताया सड़कों का निर्माण और इनका अनुरक्षण आसान और सस्ता होता है, इसलिए हाईवे आपका इम्पोर्टेंट है। तीसरा बताया सड़क यातायात द्वारा हम फार्म्स को, फैक्ट्रीज को, मार्केट को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आपका हाईवे जरूरी है। अगला भाई, अगला क्यों जरूरी है हाईवे, तो सड़क यातायात में रेलवे यातायात की अपेक्षा अधिक आसानी होती है, क्योंकि इसमें बसों तथा ट्रकों को भाई कभी भी किसी भी समय सड़क पर यात्रियों या सामानों को चढ़ाने या उतारने के लिए रोका जा सकता है। तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता है अपने एंड से कि जो सड़क यातायात है भाई, ये रेलवे यातायात की अपेक्षा ये ज्यादा आपका आसान पड़ता है, क्योंकि ट्रेन तो अपने टाइम से ही आती है, लेकिन बस और ट्रक की संख्या बहुत ज्यादा है, कहीं भी कभी भी आप इन्हें रोक सकते हैं और कहीं भी जा आ सकते हैं। तो ये पॉइंट भी अपनी भाषा में लिख सकते थे। अगला पॉइंट भाई, सड़कों में रेलवे की अपेक्षा अधिक तीखे मोड़ दिए जा सकते हैं, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कों का निर्माण आसान होता है। हाईवे क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जो सड़कों का निर्माण है पहाड़ी क्षेत्रों में भी आसान होता है, यहाँ पर आप तीखे मोड़ देते हैं इसलिए। तो ये पांचों पॉइंट याद हुए बच्चों। पहला पॉइंट आपको क्या बताया, कम एवं मध्यम दूरी के लिए यात्रियों और सामान का अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो हाईवे महत्वपूर्ण है। दूसरा बताया सड़कों का निर्माण और अनुरक्षण आसान होता है, इसलिए हाईवे आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तीसरा आपने ये देखा भाई, तीसरा पॉइंट क्या देखा था आपने, कि आप सड़क यातायात के द्वारा क्या कर सकते हैं, फार्म को, फैक्ट्रीज को और जो आपकी मार्केट है उनको आपस में जोड़ सकते हैं। चौथा आपने देखा कि सड़क यातायात जो होता है भाई, इसमें रेलवे यातायात की अपेक्षा अधिक आसानी होती है, क्योंकि इनमें बसों और ट्रकों को भी किसी भी टाइम पर कहीं भी आप सामान को चढ़ाने के लिए, यात्रियों को चढ़ाने उतारने के लिए रोक सकते हैं। आगे आपने देखा कि सड़कों में रेलवे की अपेक्षा अधिक तीखे मोड़ दिए जा सकते हैं, इसका मतलब सड़क का निर्माण पहाड़ों पर भी किया जा सकता है, इसलिए हाईवे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। आगे भाई, जो सड़कें होती हैं वो कम दूरी की यात्रा के लिए अच्छी रहती हैं, इसलिए आपका हाईवे इम्पोर्टेंट है। आगे भाई, आपातकालीन परिस्थितियों में आप किसी भी जगह पहुंचने के लिए सड़कें आवश्यक होती हैं। बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं इसके बारे में भाई, सभी प्रकार के वाहन जैसे बैलगाड़ी, साइकिल, कार, बस, ट्रक इत्यादि के लिए हाईवे महत्वपूर्ण है। गांव को नगरों से जोड़ने के लिए भी सड़क महत्वपूर्ण है। किसी भी नगर के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने के लिए भी सड़क आवश्यक है। कितने सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं बच्चों, समझ पा रहे हैं, ठीक है भाई, ये चीज क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए बस एक सेकंड देंगे, मैं दो फालतू बच्चों को निकाल दे रहे हैं यहां से, एक बस एक मिनट। बट आप कहते रह जाइएगा, आप क्लियर हो गए ना, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है। ऐप पर से हटा दिया, फालतू बच्चे बकवास कर रहे थे ना, जाइए इधर देखिए भाई, ये क्लियर हो गए सबको। 10 के 10 पॉइंट याद रखिए बच्चों, हाईवे का महत्व क्यों होता है, क्यों महत्वपूर्ण है, आसानी से आप लिख पाएंगे, बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं। अब आते हैं फंक्शंस पर। एक तो आईआरसी के फंक्शन आपसे पूछ सकता है। आईआरसी का मतलब क्या भाई, इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है भाई, भारतीय सड़क कांग्रेस के कार्य क्या क्या होते हैं। आईआरसी के कार्य आप सब जानते हैं,
देखिए अभी आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भाई स्किप कर देना है ये वाला, क्योंकि हमें तो इसके कार्य बताने हैं ना। तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन था कि आईआरसी होता क्या है। रिवीजन टाइम पे हमसे केवल फंक्शन पूछेगा, क्योंकि फंक्शन ही हमारे सिलेबस में दिए हैं। फिर भी आप सबको पता है कि भारत में सड़कों के जो समुचित विकास के लिए 1934 में एक जयकर कमेटी थी भाई, इसकी संस्तुति को ध्यान में रखते हुए एक संगठन की स्थापना की गई थी, जिसे क्या नाम दिया गया था, आईआरसी नाम दिया गया था, भारतीय सड़क कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस इसको नाम दिया गया भाई। इसका संचालन जो एक परिषद द्वारा किया जाता है, इसमें केंद्र और प्रदेश के विभाग सचिव, विभाग अध्यक्ष, मुख्य अभियंता सदस्य होते हैं। तो ये सब चीजें आपको नहीं पढ़नी है, हमें यहाँ पर कार्य की बात करनी है, इसको याद नहीं करना है बच्चों आपको, ठीक है? बात क्लियर है भाई? आपको ये चीजें याद नहीं करनी है, आपको कहाँ पर आना है, आपको इन पॉइंट्स पर आना है, इन पॉइंट्स पर, ठीक है? जो इसके कार्य हैं, क्या क्या कार्य हैं, आईआरसी का सिर्फ कार्य याद करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं याद करना है, सिलेबस वाली चीजें याद करनी है। पहले हमने हाईवे का महत्व देख लिया, अब हम देख रहे हैं भाई यहाँ पर आईआरसी के क्या क्या फंक्शन होते हैं। फंक्शन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस, सबसे पहला कार्य क्या होता है इसका, भारतीय सड़क कांग्रेस जो होती है ये भाई सड़कों के मानक तैयार करती है। मानक मतलब स्टैंडर्ड, रोड से रिलेटिव कोई भी स्टैंडर्ड बनाया गया तो वो आईआरसी के द्वारा बनाया गया है, तो सड़कों के मानक तैयार करती है, ठीक है? दूसरा पॉइंट भाई, दूसरा पॉइंट जो सड़कों के डिजाइन होते हैं बच्चों, सड़कों के डिजाइन, इसके अलावा इनके कंस्ट्रक्शन और जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस इत्यादि पर परामर्श देती है, ठीक है? एडवाइस, परामर्श मतलब एडवाइस। तो भाई सड़कों का डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस, इन सब पर जो परामर्श देता है वो कौन है, आईआरसी। तो आईआरसी के दो काम समझ आए, सड़कों के मानक तैयार करना, दूसरा सड़कों के डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए एडवाइस देना, बहुत बढ़िया। आगे भाई तीसरा कार्य, जो आपका महामार्ग अभियंताओं, यानी जो आपके हाईवे इंजीनियरिंग के इंजीनियर्स होते हैं, हाईवे के इंजीनियर्स, इनके मार्गदर्शन के लिए विभिन्न प्रकार की जो पत्रिकाएं होती हैं भाई, इसके अलावा जो पाठ्य सामग्री होती है उनको प्रकाशित करना, यानी आईआरसी क्या करती है, हाईवे से रिलेटिव जो इंजीनियर होते हैं, हाईवे इंजीनियरिंग मतलब हाईवे के जो इंजीनियर्स है, इनके मार्गदर्शन के लिए, मार्गदर्शन मतलब हाईवे से रिलेटिव जानकारी इंजीनियर्स को देने के लिए ये भाई पत्रिकाओं और पाठ्य सामग्री को भी प्रकाशित करती है। तो यहाँ पर आपको तीन काम समझ आए, आईआरसी के पहला काम क्या था, आईआरसी क्या करता है, सड़कों के मानक तैयार करता है। दूसरा काम क्या था भाई, ये डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस पे एडवाइस देता है। तीसरा काम क्या था भाई, ये हाईवे इंजीनियरिंग के जो इंजीनियर्स होते हैं इनके लिए, इनके मार्गदर्शन के लिए विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं और पाठ्य सामग्री भी प्रकाशित करती है, ठीक है? इसके बाद आगे बात करें, चौथा काम क्या भाई इनका, देश और विदेश के जो सड़क विशेषज्ञ होते हैं इनके साथ में समय समय पर सेमिनार की व्यवस्था भी करती है। इसके अलावा अगला काम क्या आईआरसी का, भाई देश में सड़कों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार करती है। यह चीज सबको समझ आ रही है, सड़कों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार करती है। मुझे लगता है ये पांचों पॉइंट आपको समझ आए होंगे भाई, पांचों पॉइंट क्लियर है? आईआरसी के फंक्शन याद रहेंगे सब बच्चों को, कौन कौन से फंक्शन बताए, ओरली कोशिश करें एक बार सुनने की सिर्फ। पहला क्या बताया, आईआरसी क्या करती है भाई, मेन काम क्या है, ये सड़क के लिए मानक तैयार करती है। दूसरा सड़क का डिजाइन, सड़क का कंस्ट्रक्शन और उसके मेंटेनेंस, इस पर भी एडवाइस देती है। तीसरा क्या है भाई, कि जो सड़क के इंजीनियर्स होते हैं, हाईवे इंजीनियरिंग के जो इंजीनियर्स हैं उनके मार्गदर्शन के लिए ये पत्रिकाएं और पाठ्य सामग्री भी प्रकाशित करती है। आगे भाई, देश विदेश के जो सड़क विशेषज्ञ होते हैं इनके साथ में सेमिनार की व्यवस्था भी करता है आईआरसी, और देश में सड़कों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार करना, ये भी आईआरसी का ही काम है भाई। आईआरसी के काम समझ आ गए, बहुत बढ़िया, 5-year plan, बहुत बढ़िया। ये आपके पांच काम है इसके आईआरसी के, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, इसके बाद आपसे पूछ सकता है फंक्शन ऑफ, अगला टॉपिक क्या है अपना भाई, अभी हम फंक्शन की बात कर रहे हैं CRRI के, यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके क्या क्या काम होते हैं भाई। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ये नहीं करना किसी को याद, और अगर आप याद करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि किसका कब स्थापना हुई थी, कौन इसके सचिव है, क्या है, तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपसे नहीं पूछेगा, आपको फंक्शन पूछेगा जो सिलेबस में दिए हैं, इसके कार्य, ठीक है? इसके कार्य क्या होते हैं बच्चों, सुनिए, CRRI के क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला कार्य होता है CRRI का, CRRI का क्या काम है भाई, फंक्शन ऑफ सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट,
इनके क्या फंक्शन होते हैं? बच्चों पहला फंक्शन है इसका यातायात सुरक्षा व परिवहन पर होने वाले खर्च पर शोध किया जाता है। ठीक है भाई, शोध मतलब समझ रहे हैं, रिसर्च। शोध मतलब क्या होता है बच्चों? रिसर्च। ये क्या करते हैं? रिसर्च, यानी जो आपका CRRI कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, वो इंस्टीट्यूट हमेशा रिसर्च करता है। जितने भी आपने IIT कॉलेज सुने होंगे उनमें ज्यादातर रिसर्च वही होती है। तो यहाँ पर जो आपका इंस्टीट्यूट है, ये यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नाम ही है रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो पहला काम तो इसका क्या हो गया कि ये यातायात सुरक्षा और परिवहन पर होने वाले खर्च पर रिसर्च करता है। ठीक है, इसका काम क्या भाई? रिसर्च करना, जो आपका हाईवे है उसकी सुरक्षा और उसके ट्रांसपोर्ट पे होने वाला जो खर्च है उस पर रिसर्च करता है। दूसरा क्या भाई? जो हाईवे के मतलब राजमार्ग के अविकल्पन मतलब डिजाइन। तो भाई हाईवे के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान किया जाता है। यानी यहाँ भी ये रिसर्च ही करता है, बेसिक और अप्लाइड रिसर्च करता है भाई। ये किस चीज के बारे में रिसर्च? किस चीज के बारे में? बच्चों डिजाइन के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में और मेंटेनेंस के बारे में। ठीक है, तो इसका मेन काम रिसर्च करना ही है। पहला किस चीज पर रिसर्च कर रहा था? ये पहला रिसर्च कर रहा था यातायात की सुरक्षा और परिवहन पे होने वाले खर्च पर। दूसरा किस पर रिसर्च कर रहा है? तो राजमार्गों के डिजाइन, इनके निर्माण और इनके मेंटेनेंस। ठीक है, इसके लिए भाई ये रिसर्च करता है, बेसिक और अप्लाइड रिसर्च करता है। तीसरा भाई, तीसरा किस चीज पर रिसर्च करता है ये? तो सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री, ठीक है, इसके किफायती उपयोग पर रिसर्च करता है। तो तीन रिसर्च हो गई इसकी। पहली रिसर्च बच्चों कौन कौन सी थी? हाँ बेटा, अपलोड भी होगी वीडियो बाद में, ऐप पर ही अपलोड होगी, ठीक है, देख लीजिएगा आप। ठीक है, क्या बता रहे हैं बच्चों? सबसे पहले क्या बताया? यातायात सुरक्षा और परिवहन, यानी जो हाईवे है भाई उसकी सुरक्षा और परिवहन पर जो खर्च होता है उस पर रिसर्च करता है, पहली चीज। क्योंकि इसका नाम है रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ध्यान रखिएगा रिसर्च वाला जो था वो रिसर्च करेगा। दूसरा रिसर्च करता है भाई ये हाईवे के डिजाइन, इसके कंस्ट्रक्शन और इसके मेंटेनेंस पर बेसिक और अप्लाइड रिसर्च करता है। तीसरा रिसर्च करता है सड़कों के निर्माण, वही चीज भाई, रोड के कंस्ट्रक्शन और इसके मेंटेनेंस के लिए जो भाई स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री होती है ना, उसके उपयोग पर भी रिसर्च करता है, उसके क्या क्या किफायती उपयोग हो सकते हैं इस पर रिसर्च करता है। आगे भाई चौथा, जो नई मशीनरी है, नई मशीनरी उपकरण और हाईवे इंजीनियरिंग के लिए जो उपकरण है भाई, इनके विकास के लिए भी रिसर्च करता है, अनुसंधान मतलब रिसर्च। और किस चीज पर रिसर्च करता है ये? तो नई मशीनें, उपकरण और भाई हाईवे इंजीनियरिंग के लिए उपकरण के विकास, इन पर रिसर्च करता है। और पांचवी रिसर्च क्या है इनकी भाई? अनेक संगठनों को तकनीकों सलाह और परामर्श देने का कार्य, यानी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है भाई, उनको टेक्निकल एडवाइज और परामर्श देने का जो कार्य करते हैं वो ये करते हैं। ठीक है, ये रिसर्च के साथ साथ ये परामर्श भी देते हैं। ठीक है भाई, ये टेक्निकल एडवाइज भी देते हैं, टेक्निकल एडवाइज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, उनको टेक्निकल एडवाइज देने का काम भी किसका है भाई? इसी का काम है, CRRI का। इसके अलावा अगला काम है इसका पुस्तकालय और अनेक प्रलेखन सेवाएं जैसे मैगजीन, ये सब प्रदान करना। IRC का काम भी था, वो भी भाई पत्रिकाएं और पाठ्य सामग्री रोड से रिलेटिव प्रकाशित करता था, और ये भी करता है, ये पुस्तकालय और अनेक प्रलेखन सेवाएं जैसे मैगजीन हो गया, ये सब प्रदान करता है। ठीक है भाई, ये सबको समझ आ गया। चलिए, छह भाई इसके कार्य थे, छह कार्य, तो इनमें से छह में से चार तो इनके रिसर्च के ही कार्य थे भाई, चार तो इसके रिसर्च के ही कार्य थे। कौन कौन से रिसर्च के कार्य थे? सबसे पहला यातायात सुरक्षा और परिवहन पे होने वाले खर्च पे रिसर्च करना। दूसरा भाई राजमार्ग के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए बुनियादी और बेसिक और अप्लाइड रिसर्च। तीसरा सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए भाई स्थायी रूप से उपलब्ध सामग्रियों के किफायती उपयोग पर रिसर्च। इसके बाद नई मशीनरी, उपकरण और राजमार्ग इंजीनियरिंग के लिए जो उपकरण का विकास है, इन पर रिसर्च। और दो इनके काम थे, एक तो जो अनेक ऑर्गेनाइजेशन है उनको टेक्निकल एडवाइस देना, और अगला काम था पुस्तकालय और अनेक प्रलेखन सेवाएं, यानी पुस्तकालय और मैगजीन ये सब प्रदान करना। ये छह काम इसके थे। ठीक है बेटा, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट ही करा रहे हैं, सिर्फ इंपोर्टेंट ही। ओके।
सिर्फ इम्पोर्टेंट ही करा रहे हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट है इसलिए सही करा रहे हैं सिर्फ। आगे अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी MORTH, इसका नाम क्या, पूरा नाम इसका मिनिस्ट्री, भाई इसका पूरा नाम क्या, MORTH, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है। अगर आपसे इसके कार्य पूछे, इंट्रोडक्शन किसी का नहीं पढ़ना, सिर्फ कार्य कार्य याद करने आपको, केवल फंक्शन, ठीक है। फंक्शन सुनिए, तो फंक्शन कौन कौन से है इसके, तो भाई इसके फंक्शन के लिए आपको याद रखना ये वाला पार्ट, कुछ नहीं पढ़ना आपको यहाँ पर, इसकी कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर कौन कौन से विभाग आते हैं, कुछ नहीं। आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि इसको दो भागों में बांटा गया, कौन कौन से, एक रोड डिपार्टमेंट और एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, यानी कि जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, भाई दो चीज लिखी है ना यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसको बच्चों दो पार्ट में बांटा गया, एक रोड डिपार्टमेंट और दूसरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो रोड डिपार्टमेंट के काम अपने अलग होंगे और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के काम अलग है। तो यहाँ पर दो दो फंक्शन पढ़ने हैं आपको, जब भी आपसे MORTH के फंक्शन पूछे तो रोड डिपार्टमेंट के अलग फंक्शन पढ़ेंगे और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अलग फंक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं हम किसके फंक्शन की, भाई सबसे पहले बात कर रहे हैं हम फंक्शन ऑफ रोड विंग, रोड विंग कह दो या रोड डिपार्टमेंट, सड़क विभाग जो होता है इसके क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला काम होता है बच्चों इसका राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, यानी कि राष्ट्रीय मतलब समझते हैं, राष्ट्रीय मतलब बेटा नेशनल, तो नेशनल हाईवे जो होते हैं इनका विकास और योजना और रख रखाव का कार्य। तो पहला काम क्या है, चूंकि रोड डिपार्टमेंट है भाई, तो रोड डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये नेशनल हाईवे के जो डेवलपमेंट है, इसकी जो प्लानिंग और मेंटेनेंस है, इसका कार्य करता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास, योजना और रख रखाव का कार्य। दूसरा कार्य इनका क्या है भाई, राज्य की सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना, यानी जो आपका रोड डिपार्टमेंट है इसी का काम होता है कि राज्य की जो सड़कें हैं उनके विकास के लिए राज्य सरकार को क्या करता है भाई, ये वित्तीय और तकनीकी यानी भाई पैसे से भी और टेक्निकल भी दोनों तरह से सपोर्ट करता है। इसके अलावा भाई सड़कों व पुलों के लिए मानकों की स्थापना करना, भाई आईआरसी का काम भी था मानक बनाना, और ये भी मानक तैयार करता है सड़कों और पुलों के लिए, ठीक है, समझ पा रहे हैं सब बच्चे। इसके बाद दो काम इसके और हैं भाई, प्रत्येक परियोजना अनुसंधान और विकास से संबंधित जानकारी इकट्ठा करना, यानी जितने भी परियोजनाएं हैं, परियोजना मतलब बेटा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अलावा अनुसंधान मतलब रिसर्च और विकास मतलब डेवलपमेंट, तो प्रोजेक्ट रिसर्च और डेवलपमेंट इनसे रिलेटिव भाई जानकारी इकट्ठा करना भी इसी का काम है। इसके बाद सड़क सुरक्षा संबंधी बातों पर ध्यान देना भी इसका काम है, किसका, रोड डिपार्टमेंट का, जो कि MORTH का एक पार्ट था। रोड डिपार्टमेंट के बाद आता है भाई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का क्या काम था बच्चों, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कार्य इसमें आएगा भाई आपका मोटर वाहन कानून बनाना, तो मोटर वाहन के जो कानून बने हुए भाई वो कौन बनाता है, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बनाता है। मोटर वाहन पर कराधान यानी टैक्सेशन, भाई मोटर व्हीकल पर टैक्सेशन भी कौन क्रिएट करता है, वो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देखता है। वाहनों के लिए अनिवार्य बीमा, ये भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मानकों की स्थापना, भाई राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मानक जो बनाना, ये तीनों के काम है, IRC का काम भी है, रोड डिपार्टमेंट का काम भी है, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम भी है, ठीक है। सड़क दुर्घटना पर डेटा संकलन, यानी ये डेटा इकट्ठा करना कि सड़क पर कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, उनका डेटा संकलन भी यही करते हैं। बात क्लियर हुई भाई सबको, और दो कार्य इसके और हैं, एक तो लोगों के बीच में सड़क सुरक्षा संस्कृति, भाई सड़क सुरक्षा संस्कृति विकसित करना। इसके अलावा निर्धारित दिशा निर्देशों के आधार पर जो प्राइवेट संगठन है उनको अनुदान प्रदान करना, ठीक है। टोटल ये सात कार्य हो गए आपके इसके, तो कार्य वाला पार्ट बच्चों खत्म हो गया, कार्य वाला पार्ट पूरा खत्म हो गया। फर्स्ट चैप्टर समझ नहीं आ रहा, इंपोर्टेंट है भाई, इंपोर्टेंट है, जरूर है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा इस चैप्टर से, समझ रहे हैं आप, एक क्वेश्चन जरूर आएगा 5 नंबर का। इसके बाद भाई NHAI के कार्य और देख लीजिए आप, लास्ट है NHAI, इसके कार्य और समझ लेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके क्या क्या काम है,
ठीक है भाई, ठीक है। चलिए, ये चीज सबको समझ आ रही है। एनएचएआई के कार्य सुनेंगे। एनएचएआई के कार्य, एनएचएआई के क्या क्या काम है। सबसे पहला काम क्या होता है, सरकार द्वारा निहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन का कार्य करती है। पहला काम क्या, सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन का कार्य है ना, वो कौन करता है, एनएचएआई करता है। इसके बाद भाई, राजमार्ग से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना, ये भी किसका काम है, ये भी भाई आपका एनएचएआई का काम है। एनएचएआई मतलब समझ रहे हैं, एनएचएआई का मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तीसरा भाई, जितनी बातें करेगा ये नेशनल हाईवे के बारे में बात होंगी इसमें, क्योंकि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटिव है। तीसरा क्या है, राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क जमा करना, वही नेशनल हाईवे पर शुल्क जमा करना, वाहनों को राजमार्ग पर चलने के लिए उचित नियम और प्रबंधन का कार्य। तो नेशनल हाईवे से रिलेटिव जो भी शुल्क जमा होता है उसे जमा करना, और भाई नेशनल हाईवे पर वाहनों के चलने के लिए उचित नियम और उनका प्रबंध कार्य, यह भी इसी का काम है। इसके बाद देश में विदेश में निर्माण सेवाएं करने पर परामर्श देना, और राजमार्ग के रखरखाव और विकास व प्रबंधन या किसी अन्य सुविधाओं के संबंध में अनुसंधानिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना। मतलब कहने का सिर्फ ये है कि आप इतना याद रखिएगा, देश विदेश में जो निर्माण सेवाएं हैं उन्हें करने पर परामर्श देना, और राजमार्ग, राजमार्ग मतलब जो आपके नेशनल हाईवे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे के मेंटेनेंस और डेवलपमेंट, ठीक है, इसकी सुविधाओं के संबंध में भी जानकारी देना, इसी का काम है। इसके अलावा भाई, राजमार्ग के निकट कार्यालयों का निर्माण, होटल, विश्राम कक्ष स्थापित करना और उनका मेंटेनेंस करना भी इसी का काम है। आगे, अपने कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन और टाउनशिप का निर्माण करना, ये भी इसका काम है, ठीक है। बाकी दो तीन कार्य और हैं, मतलब पांच कार्य भी आपको याद हो जाते हैं, काफी हैं। राजमार्ग पर यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, और राजमार्गों पर वाहनों के चलने को नियंत्रित करना, मतलब इसका टोटल काम भाई नेशनल हाईवे से रिलेटिव रहेगा। तो ये कार्य वाली चीजें आपकी खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद आईआरसी के अनुसार रोड का क्लासिफिकेशन देखेंगे। बस तीन टॉपिक और हैं, फिर पहला चैप्टर खत्म, ठीक है। सिर्फ तीन टॉपिक और बचे हैं इसमें, फिर मैं जस्ट ओवरव्यू आपको दे दूंगा कि इसमें से और किस तरह से आप याद कर सकते हैं चीजों को अपने एंड से, ठीक। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं भाई, आईआरसी के अनुसार रोड क्लासिफिकेशन सबको पता है, ये तो नेशनल हाईवे, उसके बाद स्टेट हाईवे आता है, फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और फिर विलेज रोड, ये पांच होते हैं टोटल। नेशनल हाईवे सबसे बड़ा, ठीक है, उसके बाद स्टेट हाईवे उससे छोटा, फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इससे छोटा, फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड इससे छोटा, फिर ब्लेज रोड सबसे छोटा, पांच है भाई टोटल। ये तो सबको याद है। राष्ट्रीय महामार्ग भाई, राज्य महामार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। इसमें सबसे पहले नेशनल हाईवे की हम बात कर रहे हैं, तो नेशनल हाईवे आप खुद जानते हैं, नेशनल हाईवे कौन सा होता है भाई। नेशनल मतलब जो पूरे देश की सड़क है, एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने वाली सड़क। जैसे अगर मुझे यूपी से एमपी में जाना है, तो जो सड़क जाएगी यूपी से एमपी, वो नेशनल हाईवे होगा, एक राज्य को दूसरे राज्य से जो जोड़ती है, ठीक है भाई। वे प्रमुख सड़कें जिनका निर्माण और अनुरक्षण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, भाई इसका पहले चित्र तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ये क्या कहलाते हैं आपके, नेशनल हाईवे। सेंट्रल, सेंट्रल मतलब केंद्रीय, अगर आपका सेंट्रल शब्द आ गया तो समझ लो वो केंद्र के बारे में, मतलब पूरे नेशनल, पूरे राज्य के बारे में, उसके राष्ट्रीय के बारे में हो गया, पूरे देश के बारे में हो गया। अगर स्टेट लिखा हो, अगर यहीं पे आपका केवल पीडब्ल्यूडी होता, सेंट्रल सॉरी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, फिर आपका नेशनल हाईवे नहीं, फिर वो स्टेट हाईवे आ जाता, क्योंकि फिर वो आपका स्टेट गवर्नमेंट देखती है उसे। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जिसका निर्माण करेगा वो नेशनल हाईवे है, ठीक है। तो नेशनल हाईवे याद रहेगा, वे प्रमुख सड़कें जिनका निर्माण और अनुरक्षण कौन करता है भाई, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है, आपका नेशनल हाईवे कहलाता है। ये सड़कें भाई राज्यों की राजधानी में, कह रहा था ना, एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ेगी, या एक राज्य की राजधानी को दूसरे राज्य की राजधानी से जोड़ती है। तो भाई ये राज्यों की राजधानी को, बड़े शहरों को और प्रमुख बंदरगाहों, इसके अलावा सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय राष्ट्रीय
महामार्ग की कुल लंबाई, बेटा इस चीज को मत याद करिएगा, आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, ठीक है? आप सिर्फ यहां तक याद रखिएगा, सिर्फ यहां तक काफी है ये, क्योंकि पांचों प्रकार लिखने होंगे ना आपको, अगर आपसे क्लासिफिकेशन पूछ ले रोड का, वो भी आईआरसी के अनुसार, तो पांच प्रकार लिखने, पहले में सिर्फ यहां तक लिखिएगा कि आपका नेशनल हाईवे क्या होता है। वे प्रमुख सड़क है जिनका निर्माण और अनुरक्षण भाई सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है, नेशनल हाईवे कहलाता है। ये सड़कें भाई राज्यों की राजधानियों, बड़े शहरों और प्रमुख बंदरगाहों तथा सैनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान जो होते हैं उनको जोड़ने का काम करती है, ठीक है? बाकी ये सब चीजें कुछ याद नहीं करनी है आपको। हाँ इतना याद कर सकते हैं कि नेशनल हाईवे जो होता है भाई, नेशनल हाईवे, इस पर माइलस्टोन का जो पत्थर होता है, यानी मील का जो पत्थर होता है, उसका रंग भाई पीला एंड सफेद होता है। कैसा होता है उस पत्थर का रंग, पीला तथा सफेद, ये चीज आप और याद कर सकते हैं, ठीक है? बात क्लियर है भाई सब बच्चों को? बहुत अच्छे। चलिए ये कलर बता रखा है, पीला ऊपर नीचे सफेद, तो आपका ये नेशनल हाईवे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये नेशनल हाईवे हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा आता भाई आपका स्टेट हाईवे। अब स्टेट हाईवे का निर्माण कौन करेगा बच्चों? अब स्टेट गवर्नमेंट करेगी इसका निर्माण। वे सड़कें जिनका निर्माण और रख रखाव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उसको केंद्र सरकार कर रही थी, इसको राज्य सरकार करेगी, ठीक है? राज्य महामार्ग जो होते हैं वो किसको जोड़ेंगे भाई? ये भाई जो एक राज्य की राजधानी है, किसी भी एक राज्य की, मतलब ये राज्य के अंदर अंदर सड़कें होंगी। अब राज्य के अंदर सड़कें होंगी इसका मतलब क्या है? जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई, तो इस लखनऊ को भाई जो जिला मुख्यालय होते हैं इनसे, या कुछ और मुख्य नगर हैं इनसे जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है? और इसके बारे में भाई आपको बताई दिया कि इनके निर्माण के लिए प्रत्येक राज्य में क्या होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, एक लोक निर्माण विभाग होता है। उसमें क्या था? उसमें सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट था और इसमें पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, ठीक है भाई? इसका मील का जो पत्थर होता है उसका रंग कैसा होता है? इसके मील के पत्थर का रंग कैसा होता है? हरा तथा सफेद होता है। कैसा होता है बच्चों? हरा तथा सफेद होता है, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रहेगा सब बच्चों को ये भी। इसमें इसमें कितना अंतर था भाई? इसमें इसमें कितना अंतर था? सिर्फ इतना अंतर था कि इसका जो निर्माण था, निर्माण और अनुरक्षण, वो केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा था और इसके लिए इनके पास सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट था। और भाई ये किसको जोड़ रही थी? तो राज्यों की राजधानी को, बड़े शहरों को और प्रमुख बंदरगाह, इसके अलावा सैनिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थान है उनको जोड़ने काम कर रही थी, ठीक? इसमें माइलस्टोन का रंग पीला और सफेद था। अब हमने स्टेट हाईवे की बात की, स्टेट हाईवे में आपको बताया कि इनका निर्माण और मेंटेनेंस जो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, और राज्य जो आपके स्टेट हाईवे हैं ये भाई किसको जोड़ने का काम करते हैं? तो ये राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं, इसके अलावा मुख्य नगरों से जोड़ते हैं, तो ये स्टेट हाईवे होते हैं आपके भाई। इसके निर्माण के लिए प्रत्येक राज्य में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, पीडब्ल्यूडी होता है, जो कि निर्माण करता है इन सड़कों का। और इन पर जो मील का पत्थर होता है इसका रंग हरा और सफेद होता है। नेशनल वाले का पीला और सफेद था, इसका हरा और सफेद होता है। अब आते हैं भाई डिस्ट्रिक्ट रोड पर। तो डिस्ट्रिक्ट रोड दो तरह के, एक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, मेजर मतलब बड़े वाले, जो मुख्य जिला सड़कें होती हैं, ये भाई एक जिला के अंदर मुख्य मुख्य उनको जोड़ेंगे, ये शहरों को या नगरों को कह सकते हैं आप। इन सड़कों का निर्माण और जो भाई रख रखाव है वो जिला परिषद द्वारा किया जाता है। ना आपने देखा, नेशनल हाईवे का निर्माण सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा था, स्टेट हाईवे का निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा था, अब मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का निर्माण भाई जिला परिषद द्वारा किया जाता है। वे सड़कें जो जिले के भाई, जिले के जो प्रमुख नगर होते हैं, इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र हैं और तहसील हैं, इनको भाई जिला मुख्यालय से जोड़ने का कार्य करती है, ये जिला सड़कें होती हैं, ठीक है? अब मुख्य जिला सड़कों पर जो मील का पत्थर होता है बच्चों, उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग नीला और सफेद होता है। नीला काला कह दो, नीला या काला कोई सा एक होगा, और सफेद होता है, ठीक है? इसके बाद आपके आ जाएंगे भाई अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। तो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड जो होती हैं वो कौन सी होती हैं भाई? तो मुख्य जिला सड़कों के अतिरिक्त वे सड़कें जो जिले के छोटे छोटे भाई, छोटे और कम महत्वपूर्ण शहर है इनको जोड़ने का काम करती हैं, वो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में आती हैं। ये सड़कें भाई सिंगल लेन वाली होती हैं, क्योंकि छोटी हैं ये। इन सड़कों का निर्माण और रख रखाव भी भाई जिला परिषद द्वारा ही किया जाता है। इनका भी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस जिला परिषद द्वारा ही किया जाता है। और इन पे जो मील का पत्थर होता है भाई, उनका रंग भी जो आपकी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड थी ना, उसी की तरह होता है। इन पर भी सेम काला सफेद या नीला नीला सफेद,
ठीक है। लास्ट है आपका भाई विलेज रोड। तो ग्रामीण सड़कें कौन सी होती हैं बच्चों? विलेज रोड मतलब ग्रामीण सड़कें कौन सी होती हैं? वे सड़कें जिनका निर्माण जो है किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम पंचायत या फिर जिला परिषद द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई, या तो ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाएगा इन सड़कों का निर्माण, कई बार ग्राम के प्रधान बनवाते हैं इसको, ठीक है, या जिला परिषद द्वारा भी किया जाता है। और एक गांव को भाई दूसरे गांव से जोड़ने का काम, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ेगी ये सड़क, या फिर एक गांव को किसी नगर से या रेलवे स्टेशन से या बस अड्डे से जोड़ती है, ग्रामीण सड़कें कहलाती हैं भाई। इन पे जो माइलस्टोन का पत्थर होता है उसका रंग कैसा होता है? लाल और सफेद। मतलब मैंने आपको नेशनल हाईवे बताया, नेशनल हाईवे, आपने कहा सर इसका निर्माण सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है। और ये जो होती है आपकी नेशनल हाईवे, ये एक राज्य की सड़क को मतलब एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। इन पे जो मील का पत्थर होता है उसका रंग भाई पीला और सफेद था, पीला एंड सफेद, ठीक। दूसरा आपको बताया था भाई स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे में आपको क्या बताया कि इसका निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और इसके लिए पीडब्ल्यूडी होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसका निर्माण करता है, प्रत्येक राज्य में होता है। और स्टेट हाईवे जो होते हैं ये भाई क्या करते हैं, किसी भी एक राज्य के अंदर जो राज्य की राजधानी होती है उसको जो मुख्य आपके मुख्य कार्य मतलब मुख्य जिला कार्यालय हैं और मुख्य नगर हैं, तो ये राज्य की राजधानी जो होती है उसको किसके साथ जोड़ेगा भाई? जो आपके मुख्य जिला हैं, मुख्य जिला कार्यालय या मुख्य नगर, उनके साथ जोड़ती है, और इसके लिए पीडब्ल्यूडी हो गया, ठीक है। इस पर जो मील का पत्थर होता है उसका रंग हरा और सफेद होता है, कैसा बताया भाई? हरा और सफेद बताया। इसके बाद आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आ गया भाई। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो होते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ये इनका निर्माण भाई जिला परिषद द्वारा किया जाता है, जिला परिषद द्वारा। और ये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है तो एक जिला के अंदर जो मुख्य नगर आते हैं उनको जोड़ने का काम करता है, और जो औद्योगिक क्षेत्र आते हैं उनको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और इस पे जो पत्थर होता है उसका रंग कैसा होता है भाई? या तो काला और सफेद होगा, काला सफेद या नीला सफेद, काला नीला कोई सा एक होगा, एंड पीछे सफेद मतलब नीचे सफेद रहेगा। इसके बाद अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड जो होते हैं कलर इनका भी सेम यही होता है, यही कलर होता है इनका भी। इसके अलावा जो इनका निर्माण है भाई, जो आपके अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है इनका निर्माण कौन करता है? इनका निर्माण बच्चों ओडीआर का निर्माण कौन करता है? तो ये भी जिला परिषद द्वारा किया जाता है, मगर ये जो कम छोटे छोटे और कम इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं उनको जोड़ने का काम करती है, कि एक जिले के अंदर ये सिंगल लेन वाली सड़कें होती हैं ज्यादातर, ठीक है। फिर आपके विलेज रोड आते हैं। जो विलेज रोड होते हैं बच्चों, ये एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने का काम करते हैं, या फिर किसी एक गांव को किसी नगर से, रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से जोड़ने का काम करते हैं। इसका जो रंग होता है भाई लाल और सफेद होता है, कैसा? लाल एंड सफेद होता है। तो आपको ये भी समझ आ गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है भाई आपका मास ट्रांसपोर्ट। अभी हम मास ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, मास ट्रांसपोर्ट मतलब समझ रहे हैं भाई? मास ट्रांसपोर्ट का मतलब कितने बच्चों को पता है? ये थ्योरी पार्ट गलत लिखा हुआ है इसके अंदर, ये थ्योरी पार्ट नहीं आएगा भाई। हाँ ये ठीक है, ये दो बार था इसे हटा देते हैं, ये सही है। मास ट्रांसपोर्ट का मतलब समझ रहे हैं? मास ट्रांसपोर्ट का मतलब है एक साथ जब हम बहुत ज्यादा संख्या में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं तो वो आपका मास ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है भाई। जन हिंदी में कहते हैं जन परिवहन, तो जन परिवहन व्यवस्था का मतलब क्या है बच्चों? जन परिवहन एक प्रकार की परिवहन प्रणाली है जिसमें भाई बड़ी संख्या में लोगों को एक स्थान से और दूसरे स्थान तक वाहन या वाहनों के संयोजन द्वारा ले जाया जाता है। तो ये मास ट्रांसपोर्ट की जब भी बात होगी तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों का ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। तो जल जो आपका जन परिवहन है, ये एक प्रकार की परिवहन प्रणाली है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को एक स्थान से और दूसरे स्थान तक वाहन या वाहनों के संयोजन द्वारा ले जाया जाता है। जैसे आपके हवाई जहाज हो गए, ये मास ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं, रेलवे भी मास ट्रांसपोर्टेशन में आता है, और बस भी आपकी मास ट्रांसपोर्टेशन में ही आती है, ठीक है। ये सभी बड़े पैमाने पर इसके उदाहरण है। इसके अलावा अगर आप निजी कार का यूज करें वो मास ट्रांसपोर्टेशन में ही हुआ, बाइक का यूज करें मास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बैलगाड़ी मास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो हाईवे पर, रेलवे पर और एयरपोर्ट यानी एयरपोर्ट से एयरवे पर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो सब मास ट्रांसपोर्ट में आते हैं, ठीक है भाई।
चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भाई इसके लाभ आपसे नहीं पूछेगा, लाभ केवल इंट्रोडक्शन पूछ लेगा। फिर भी लाभ तो बहुत सारे इसके, एक बार में अधिक यात्रियों को ले जाया जाता है, यात्रियों पर आने वाला खर्च कम होता है, ये निजी वाहनों की तुलना में प्रति व्यक्ति कम जगह लेते हैं, प्रति व्यक्ति ये निजी वाहनों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं, लंबी यात्रा में सुखदायक होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट थे, हानियां याद करने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है, फिर भी आप हानियां याद करना चाह कर सुन सकते हैं सिर्फ कि ये केवल उन क्षेत्रों में संभव है जहां पर अधिक आबादी है, प्रति वर्ग मील में निवासियों की संख्या कम होने पर इस प्रणाली की दक्षता कम हो जाती है, ये प्रणाली निर्माण और संचालन के लिए महंगी पड़ती है, जन परिवहन असुविधाजनक व भीड़ भाड़ से युक्त हो सकती है, इस प्रणाली में वाहन अपने निर्धारित समय पर ही चलाए जाते हैं क्योंकि टाइम टू टाइम चलेंगे भाई, इसमें निजी वाहन हो कभी भी लेकर चले जाओ। ठीक, इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है भाई स्मार्ट हाईवे। स्मार्ट हाईवे क्या होता है बच्चों? स्मार्ट हाईवे का मतलब हो गया आपका कि एक ऐसी, एक भाई स्मार्ट हाईवे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बच्चों जिसमें सोलर एनर्जी जो होती है, सोलर एनर्जी और जो वाइब्रेशन एनर्जी है और जो विंड एनर्जी है भाई, इनका यूज करके, किस किस का यूज कर रहे हैं भाई हम? स्मार्ट हाईवे आजकल सुन रहे होंगे आप, स्मार्ट हाईवे। स्मार्ट हाईवे में क्या होता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ये जिसमें सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा या वाइब्रेशन एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब का यूज करके वाहनों को भाई चार्ज किया जाता है। क्या किया जाता है? चार्ज करके और प्रकाश व्यवस्था करके और सड़क स्थिति की निगरानी करके राजमार्गों को स्मार्ट, सुरक्षित और अधिक ऊर्जा कुशल बनाया जाता है। स्मार्ट हाईवे बनाने में भाई ग्रीन एनर्जी का भी बहुत इफेक्ट, मतलब बहुत महत्व है। स्मार्ट हाईवे पर स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, सौर ऊर्जा, कंपन ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बिजली में चेंज किया जाता है। ठीक है, और फिर हम इस ऊर्जा का यूज किसमें करते हैं? हाईवे पर कई अनुप्रयोगों में कर सकते हैं, जैसे कि इन ऊर्जाओं का यूज हम भाई करके वाहनों को चार्ज कर सकते हैं, आप प्रकाश व्यवस्था के लिए और निगरानी के लिए इसका यूज कर सकते हैं, राजमार्गों पर ही इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करने के लिए ये व्यवस्था की जाती है। स्मार्ट हाईवे वे हाईवे होते हैं जिनके किनारे पर क्या होता है भाई, भाई जिनके किनारे पर सोलर एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी और विंड एनर्जी की व्यवस्था होती है, इन एनर्जीज को हम बिजली में चेंज करते हैं। अब इसको बिजली में चेंज कर दिया, इसके द्वारा जैसे कोई ऐसी कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बिजली से चलता है, तो उनको चार्ज कर सकते हैं आप, जैसे आजकल बैटरी वाले ई रिक्शा चल रहे हैं, तो उनको आप आराम से चार्ज कर सकते हैं इसके द्वारा, इलेक्ट्रिक कार चल रही है उनको इसके द्वारा चार्ज किया जा सकता है, तो यह स्मार्ट हाईवे में आता है। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया भाई, तो ये आपका हो गया भाई पहला चैप्टर खत्म, चैप्टर फर्स्ट फिनिश हो गया आपका, पहले चैप्टर में इतना ही था, और ज्यादा इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, इंट्रोडक्शन पूछता है सिर्फ, चैप्टर फर्स्ट कवर हुआ आपका। तो पहले चैप्टर में भाई कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट थे आपके? पहले चैप्टर में सिलेबस वाला पार्ट सारा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, स्मार्ट हाईवे क्या होता है पूछ सकता है सिर्फ कॉन्सेप्ट इसका, हमने आपको बता दिया स्मार्ट हाईवे क्या था बच्चों, स्मार्ट हाईवे एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसमें जो आपकी सोलर एनर्जी है, वाइब्रेशन एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इन सब का यूज करके हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चार्ज कर सकते हैं, लाइट की व्यवस्था कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें रोड पर ही, हाईवे पर ही कुछ ऐसा ऐसी प्रणाली यूज की जाती है जिसमें आप क्या करेंगे, जो आपकी सोलर एनर्जी है, जो विंड एनर्जी है, ठीक है, जो वाइब्रेशन एनर्जी है, इनको बिजली में चेंज कर लेंगे, फिर उसका यूज हम वाहन को चार्ज करने में कर सकते हैं और लाइट की व्यवस्था में कर सकते हैं। ये था मास ट्रांसपोर्टेशन में, आपने समझा था एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम मास ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं, इसमें बस, रेलवे और आपका वायुयान सभी शामिल है। रोड का क्लासिफिकेशन पांच प्रकार का हमने समझ ही लिया था, इसमें क्या क्या पड़ा था, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। इसके बाद हमने इन सभी के कार्य समझे थे, IRC के क्या काम थे, CRRI के क्या काम है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के क्या काम है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्या काम थे, इसके कारण समझे, और हाईवे इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस, यही सब टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट थे। पांच नंबर वाला क्वेश्चन कितने वर्ड में लिखे, मिनिमम एक पेज में लिखे भाई, ठीक है,
अब आते हैं बच्चों दूसरे चैप्टर पर। बेटा पहले जो चैप्टर्स हैं आपके काफी इम्पोर्टेंट हैं, आपको जान के आश्चर्य हो गया कि आपके समझ लीजिए पहला चैप्टर खत्म हो गया, 7 लेक्चर खत्म हो गए। ऐप पर ये 6-7 लेक्चर का कंटेंट था, आप सबको पता होगा बच्चों 6-7 लेक्चर का कंटेंट था चैप्टर फर्स्ट का, ठीक है, आप सबको बेहतर तरीके से पता होगा। और चैप्टर सेकंड खत्म होने के बाद लगभग आपके 14-15 लेक्चर का कंटेंट कवर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की नीड नहीं पड़ेगी आपको, सारे टॉपिक रिवाइज हो जा रहे हैं हमारे, ठीक है। चलिए अब जल्दी जल्दी समझेंगे ध्यान से, ठीक। बस ऐसे ही आपको 5-6 घंटे का कंटेंट लगभग 40-45 मिनट में 1 घंटे में रिवाइज करते चलना है, तो जल्दी हम पूरा पार्ट रिवाइज कर लेंगे अपना, ठीक है। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा डिमांड क्यों हो रही है, यही सब टॉपिक तो पूछे जाएंगे, मैं इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बताता चल रहा हूँ। अब इसमें इंपोर्टेंट सुनिए क्या क्या, भाई कह रहा है आपसे ग्लोसरी ऑफ टर्म्स यूज्ड इन रोड ज्योमेट्री। भाई रोड ज्योमेट्री में जो टर्म यूज होते हैं उसके बारे में आपसे पूछेगा, उनकी इंपोर्टेंस क्या है। तो पहला आपसे पहला टर्म पूछा जा सकता है राइट ऑफ वे, पहला टर्म है आपका भाई राइट ऑफ वे, ठीक है, ये पहला हो गया इंपोर्टेंट। पहला क्या है बच्चों, पहला है आपका राइट ऑफ वे, ये इंपोर्टेंट रहेगा। दूसरा भाई फॉर्मेशन विथ इंपोर्टेंट है, रोड मार्जिन, रोड शोल्डर, भाई कैरिज वे, साइड स्लोप, कर्व्स, फॉर्मेशन लेवल, कैम्बर और ग्रेडियंट, इतने सारे टर्म आपके इंपोर्टेंट रहेंगे रोड ज्योमेट्री में पहले टॉपिक में, ठीक। दूसरे टॉपिक में भाई क्या इंपोर्टेंट है आपका, एवरेज रनिंग स्पीड, स्टॉपिंग स्पीड और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ये 3 तरह की डिस्टेंस आपकी, सॉरी ये यहाँ पर क्या था भाई आपका एवरेज रनिंग स्पीड है, इसके बाद स्टॉपिंग और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, 2 तरह की साइड डिस्टेंस आपकी इंपोर्टेंट है, दृश्य दूरी, ठीक। इसके बाद आपका यहाँ पर कर्व की क्या आवश्यकता होती है, थोड़ा सा इंपोर्टेंट पार्ट रहेगा। और 3 तरह के कर्व पढ़ने, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कर्व और इसमें ट्रांजिशन कर्व भी इंक्लूड है, 3 तरह के कर्व है। इन तीनों कर्व का सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे, डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ना, ऐप पर मैंने मतलब वो पेड कोर्स में बहुत डिटेल में पढ़ाया था, उतने डिटेल में से आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है भाई। इसके बाद सुपर एलिवेशन और जो मेथड्स होते हैं सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने के, ये वाला पार्ट इंपोर्टेंट है, सुपर एलिवेशन काफी इंपोर्टेंट रहता है, ट्रांजिशन कर्व और सुपर एलिवेशन ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका, ठीक। इसमें भाई फिर आपको स्केच खींचने को कह सकता है, डायग्राम बनाओ एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन के, भाई रोड आपका कटिंग में और फिलिंग में है तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसका स्केच बनाना, डायग्राम बनाना, सिर्फ इतना सा पार्ट है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, कोई डिजाइन नहीं है सिलेबस में, ये पार्ट बहुत तेजी से रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, अब भाई सुनते चलेंगे अच्छे से, ठीक है। ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा बच्चों, मिनिमम 10 नंबर में आ जाता है, 5 से 10 नंबर में, कभी कभी 10 नंबर में भी कई बार पूछा जाता है ये, अब ध्यान से सुनेंगे तेजी से, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रोड ज्योमेट्री की, रोड ज्योमेट्री क्या होता है ये आपसे नहीं पूछेगा, बाकी फिर भी याद रखना रोड ज्योमेट्री हाईवे इंजीनियरिंग की ब्रांच होती है, जिसमें सड़कों के भौतिक एलिमेंट की स्थिति से संबंधित अध्ययन किया जाता है। मतलब भौतिक एलिमेंट का मतलब क्या है, जो सड़क आपको दिखाई देती है उसके जितने पार्ट होते हैं सड़क के, उन सब का अध्ययन करते हैं रोड ज्योमेट्री में। तो आप आराम से बता देंगे रोड ज्योमेट्री हाईवे इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है, और इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं भाई, जो हमारा रोड है उसके सभी फिजिकल एलिमेंट की स्टडी की जाती है, ठीक है। रोड ज्योमेट्री का सबसे मूल उद्देश्य क्या होता है कि सड़क यातायात को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के साथ साथ सड़क की लागत को और पर्यावरण क्षति को भी कम कर सके, तो ये तो आपसे नहीं पूछेगा। इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन से तत्व ऐसे हैं भाई जो रोड ज्योमेट्री में आते हैं। रोड ज्योमेट्री में आपका रोड अलाइनमेंट आता है, सड़क का संरेखण भाई, फॉर्मेशन विथ आता है, विथ ऑफ पेमेंट आता है। देखिए रोड अलाइनमेंट जो है ना आपका, अगर आप ध्यान देंगे सामने तो सिलेबस में देखिए ध्यान से भाई, क्या कहीं पर आपको रोड अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है, नहीं ना, आपको राइट ऑफ वे दिखाई दे रहा है, फॉर्मेशन विथ, रोड मार्जिन, रोड शोल्डर, कैरिज वे, साइड स्लोप, कर्व, फॉर्मेशन लेवल, कैम्बर, ग्रेडियंट। इसका मतलब यहाँ पर आपको ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ना है, रिविजन टाइम पर आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे फॉर्मेशन विथ पढ़ना है, विथ ऑफ पेमेंट पढ़ना है, रोड शोल्डर पढ़ना है, साइड स्लोप पढ़ना है, राइट ऑफ वे पढ़ना है, ट्रैफिक लेन नहीं पढ़ना, ठीक है, ट्रैफिक सेपरेटर नहीं पढ़ना आपको, कैम्बर पढ़ना है भाई, कर्व भी पढ़ने हैं 3 तरह के, ग्रेडियंट, साइड डिस्टेंस और डिजाइन स्पीड, सुपर एलिवेशन
रोड क्रॉस सेक्शन बस बाकी खत्म, ये सब चीजें पढ़नी है, ये सभी आपके रोड ज्योमेट्री के अंतर्गत आती हैं। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। बाकी तो रोड अलाइनमेंट आपको वैसे पता है पहले से, रोड अलाइनमेंट होता क्या है, तो रोड अलाइनमेंट यहाँ नहीं पढ़ना, आगे चैप्टर आएंगे वहां पढ़ सकते हैं आप। बाकी रोड अलाइनमेंट मतलब कुछ नहीं, सेंटर लाइन होती है, ठीक है, रोड को बनाने के लिए जो सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं वो आपका रोड अलाइनमेंट होता है। तो यहाँ आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ इंट्रोडक्शन, बाकी आगे चैप्टर है पूरा एक, वहां पर आएगा रोड अलाइनमेंट। किसी भी सड़क की उपयोगिता उसकी अच्छी संरेखण पर निर्भर करती है। भूमि पर भाई जो सड़क की मध्य रेखा होती है सेंटर लाइन, इसकी स्थिति ही सड़क का अलाइनमेंट कहलाती है। मैंने कहा ही था आपसे, रोड की जो सेंटर लाइन हम खींच लेते हैं उसके बाद फिर रोड बनाते हैं। जैसे यहाँ बीच में से लाइन जा रही है, ये एक तरह से क्या है भाई, इसका अलाइनमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अलाइनमेंट से रिलेटिव इंपोर्टेंट बातें यहाँ कुछ नहीं पढ़नी आपको, मैं यहाँ से पीडीएफ में भी आपको हटा के दूंगा इसे, क्योंकि ये चीजें आपसे नहीं पूछेगा यहाँ पर। इस रोड ज्योमेट्री में अलाइनमेंट नहीं है सिलेबस में, आगे चैप्टर में आएगा अलाइनमेंट सिलेबस में। फॉर्मेशन विथ क्या होती है भाई, हाँ फॉर्मेशन विथ क्या होती है, फॉर्मेशन विथ को मैं डायग्राम से समझाता हूँ। इतना तो भाई आप सबको पता है बच्चों कि रोड का बीच वाला हिस्सा जिस पे वाहन चलते हैं, ये रोड कटिंग में है जीएल से नीचे इसलिए, और ये रोड फिलिंग में आपका जो जीएल के ऊपर है। इतना तो सब बच्चों को पता है कि सड़क का वो वाला हिस्सा, वो पक्का हिस्सा जिस पे वाहन चलते हैं, वो कहलाता है पेवमेंट यान पथ, इसे हम भाई कैरिज वे के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम साइड में थोड़ी सी जगह और छोड़ देते हैं, ताकि अगर मैं फ्यूचर में कभी सड़क को और चौड़ा करना पड़ा तो हम इस जगह का इस्तेमाल कर लेंगे। इसको हम लोग बर्म या शोल्डर कहते हैं, ठीक है। कई बार बर्म और शोल्डर पर फुटपाथ भी बनाए जाते हैं जिन पर लोग पैदल यात्रा करते हैं। तो भाई यहाँ पर आपका पेवमेंट और बर्म, दोनों तरफ का बर्म, इसको मिला करके भाई जो चौड़ाई बनती है बच्चों, उसको कहते हैं फॉर्मेशन लेवल, ठीक है, विथ ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, निर्माण तल की चौड़ाई कहते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रहेगा सभी बच्चों को भाई, क्या बताया सर ने, पेवमेंट और बर्म इन दोनों की टोटल चौड़ाई को ही हम निर्माण तल की चौड़ाई कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है क्या भाई, यहाँ फॉर्मेशन विथ क्या है, तो मिट्टी में, मिट्टी के भराव में तो भाई ऊपरी सतह और कटाव में निचली सतह, जिस पर सड़क बनाई जाती है वो आपका निर्माण तल होता है, निर्माण तल की चौड़ाई होती है जिस पर सड़क बनी होती है भाई। इस चौड़ाई में दोनों चीज आती है, एक तो यान पथ आता है जो बीच वाला पक्का वाला भाग है, और इसमें स्कंद, स्कंद मतलब शोल्डर्स, उनकी लंबाई भी सम्मिलित होती है, ये सबको पता होगा बच्चों, ठीक है। अभिजीत कह रहे हैं आपने हिंदी को गूगल ट्रांसलेट करके इंग्लिश टेक्निकल की हालत खराब कर दी है, इंग्लिश वालों को धोखा। भाई इंग्लिश वालों को क्या धोखा मिला है बताइए, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको इसमें? बुक की लैंग्वेज पढ़नी है आपको, बुक की लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा फिर बुक से, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है इंग्लिश में तो बुक की लैंग्वेज पढ़ लेना, बाकी मैंने इंग्लिश चेक कर ली थी, हालांकि टाइपर की इंग्लिश ऐसी कोई बहुत ज्यादा मिस्टेक नहीं है, छोटी मोटी मिस्टेक थी, मैं उसे साथ में सही करता चलता था, ठीक है। आप खुद चेक कर लीजिए, देखिए क्या बोल रहा है, द अपर सरफेस इन अर्थ फिल और द लोअर सरफेस इन अर्थ अर्थ कट ऑन विच द रोड इज टू बी ब्यूल्ट इज कॉल्ड फॉर्मेशन विथ, क्या गड़बड़ है भाई इसमें? कोई भी बच्चा बता देगा कि अर्थ फिल में जो अपर सरफेस, यानी अगर आपका जो भाई रोड बनाया आपने, अगर वो फिलिंग में है, ठीक है, तो उस केस में अपर सरफेस, और अगर आपका रोड कैसा भाई अर्थकट में है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो लोअर सरफेस, नीचे वाला सरफेस, ऑन विच जिस पे रोड इज टू बी बिल्ट, जिस पर सड़क बनाई जाती है वो क्या कहलाता है, फॉर्मेशन विथ कहलाता है। फिर भी अगर आप बहुत बड़े अंग्रेज है तो अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, आपको अंग्रेजी आती है तो बेहतर है ना। आप अगर ये पता कर पा रहे हैं कि ये अंग्रेजी गलत है तो फिर आप अपनी बारी लिखिएगा, क्योंकि आपको आती है इंग्लिश, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही रहे हैं, टॉपिक समझ आ रहे हैं अच्छे से बच्चों। फॉर्मेशन विथ समझ के आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन विथ समझ गए ना, फॉर्मेशन विथ क्या होता है भाई, वो वाली चौड़ाई जिसके ऊपर सड़क बनी होती है। अगर आपकी सड़क किसमें है भाई, रोड इन कटिंग में है, कटिंग में है रोड, तो नीचे वाला सरफेस, और फिलिंग में है रोड तो ऊपर वाला सरफेस, जमीन के ऊपर वाला सरफेस जिस पर आपकी सड़क बनाई जाती है फॉर्मेशन लेवल कहलाता है। इसमें आपकी पेवमेंट की चौड़ाई और दोनों तरफ के वर्म की चौड़ाई सम्मिलित होती है, आप लंबाई शब्द भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट भाई, विथ ऑफ पेवमेंट, अगर हम बात करें यान पथ की चौड़ाई, तो पेवमेंट की चौड़ाई अभी अभी आपने देखी क्या, अभी अभी आपने देखा भाई पेवमेंट की चौड़ाई क्या थी, पेवमेंट की चौड़ाई क्या है आपकी, यही तो बच्चों पेवमेंट, पेवमेंट क्या था, यही तो था पेवमेंट,
यानी सड़क का वह पक्का बीच वाला भाग जिस पर वाहन चलते हैं वो कहलाता है यानपथ। वो यानपथ की चौड़ाई होती है भाई, याद रहेगा सबको। तो सड़क के मध्य में बनाया गया पक्का भाग जो सुविधाजनक यातायात के लिए बनाया जाता है, क्या कहलाता है? यानपथ कहलाता है भाई, यानपथ कहलाता है, क्लियर ना। इसके बाद यानपथ के दोनों तरफ क्या होता है, कुछ चौड़ाई में स्थान छोड़ दिया जाता है, उसे बर्म कहते हैं, ये भी सबको पता है भाई। शहरों में यानपथ की चौड़ाई बढ़ाने के लिए ही बर्म को पक्का भी बना दिया जाता है, जो आपके साइड वाले बर्म होते हैं, ताकि फ्यूचर में रोड को और चौड़ा किया जा सके। और कई बार इनको खड़ंजे के रूप में भी बना देते हैं गाँव की सड़कों पर। अब भाई यानपथ को उखड़ने से बचाने के लिए क्या करते हैं हम, जो आपका मतलब पेवमेंट को उखड़ने से बचाने के लिए ही जो शोल्डर्स होते हैं या बर्म होते हैं, इनका यूज किया जाता है। ये सारी बातें आपको पहले से पता है। अब आप एक चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो सिंगल लेन वाले रोड होते हैं भाई, उनमें पेवमेंट की चौड़ाई 3.8 मीटर ली जाती है, और जो डबल लेन वाले रोड होते हैं उनमें चौड़ाई कितनी लेते हैं, 7 मीटर। मतलब प्रत्येक लेन जो है 3 मीटर का लिया जाएगा, अगर एक से ज्यादा लेन का रोड है तो। सिंगल लेन वाले रोड में पेवमेंट की चौड़ाई 3.8 मीटर होती है, और एक से ज्यादा लेन वाले जो रोड होते हैं, डबल लेन के हो गए, ट्रिपल लेन के हो गए, तो उन सब में प्रत्येक लेन 3 मीटर का रहेगा, सॉरी 3.5 मीटर का रहेगा। तो डबल लेन वाला आपका कितने का हो गया, 7 का हो गया, ठीक है। यह 3.8, और ये आपका 2 लेन वाले में प्रत्येक लेन 3.5 की है, तो 2 हो गए आपके 7 के, ठीक। तो ये आपको समझ आ गया भाई पेमेंट वाला पार्ट, कैरिज वे या पेमेंट क्या था। आगे फिर हम बात करते हैं रोड शोल्डर। अभी पीछे आपको समझाया रोड शोल्डर क्या होते हैं भाई, रोड शोल्डर क्या होते हैं, ये तो पेवमेंट है बीच में ये। अब पेवमेंट के दोनों तरफ इधर भी कुछ जगह छोड़ दी जाती है, ताकि भविष्य में हम अगर रोड को और चौड़ा करना चाहें तो हम इस जगह का इस्तेमाल कर लें, इसको हम शोल्डर कहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं भाई, शोल्डर्स होते हैं, ये शहरी सड़कों पर पक्के बनाए जाते हैं, ताकि हमें रोड बढ़ाना पड़े आगे, तो पक्के इस शोल्डर को रोड के साथ मिला के यूज कर सकें। और कई बार इनको खरंजे के रूप में भी बिछा दिया जाता है, इन पर ही फुटपाथ बने होते हैं। तो भाई यानपथ के दोनों किनारों पर जो पर्याप्त चौड़ाई में पट्टी छोड़ी जाती है, इन्हें हम रोड शोल्डर या बर्म कहते हैं। IRC के अनुसार शोल्डर की चौड़ाई 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। भाई शहरी क्षेत्रों में सड़क के जो स्कंद होते हैं, इनको पक्का बना दिया जाता है, जिससे कि इसे फुटपाथ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें इसके बाद पर्पज ऑफ रोड शोल्डर। भाई रोड शोल्डर के पर्पज क्या होते हैं, क्यों बनाया जा रहा है ये, अभी भी क्या बताया आपको भाई, अभी भी क्या बताया आपको, अभी भी क्या बताया है बच्चों आपको, अभी अभी आपको बताया है कि जो पेवमेंट होता है इसको उखड़ने से बचाने के लिए शोल्डर का यूज करते हैं। दूसरा, पेवमेंट की चौड़ाई अगर भविष्य में बढ़ानी हो तो इसके लिए भी शोल्डर का यूज करते हैं। आगे भाई, अस्थायी तौर पर वाहन को अगर हमें शोल्डर पर खड़ा करना है, उसके लिए आपके ये शोल्डर बनाए जाते हैं। अगर हमें टेम्परेरी रूप से कहीं पर सड़क पर वाहन खड़ा करना है, तो दोनों तरफ शोल्डर्स होते हैं, उस पर हम खड़ा कर सकते हैं। फुटपाथ के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं। भविष्य में अगर हमें पेवमेंट की चौड़ाई बढ़ानी हो तो उसमें शोल्डर का यूज कर सकते हैं। तो और ये पेवमेंट को उखड़ने से भी बचाता है, तो ये सारे काम होते हैं शोल्डर के, ठीक है, ये उद्देश्य है इसके। अब भाई साइड स्लोप क्या होता है, साइड स्लोप आप सबको पता है, आप सबको पता है साइड स्लोप के बारे में। जैसे अगर आपने यहाँ पर कोई रोड बनाया, ये मान लीजिए आपका पेवमेंट वाला हिस्सा है, ये क्या भाई, ये पेवमेंट वाला हिस्सा हो गया आपका। इसके अलावा मान लीजिए ये आपका क्या, इधर भाई ये बर्म हो गया। अब दोनों तरफ जब आप नाली बनाते हैं, इधर को भी साइड में को स्लोप करते हैं भाई, और इधर भी साइड में स्लोप, एक तो ये हो गया आपके नाली के लिए साइड स्लोप, ये वाले साइड स्लोप, इधर भी कैनाल में भी होते हैं बच्चों ये साइड स्लोप, और ये आपके ड्रेन में भी साइड स्लोप होते हैं। मतलब पार्श्व ढाल को कहते हैं बच्चों स्लोप, स्लोप मतलब ढाल। और तो और सड़क पर भी हमारे साइड में को स्लोप दिए जाते हैं, जिन्हें कैम्बर कहते हैं, वो आगे समझेंगे आप। तो साइड स्लोप आपके ये वाले होते हैं, कई बार बर्म भी आपका स्लोपी फॉर्म में होता है। तो साइड स्लोप का मतलब क्या हो गया बच्चों, सड़क के दोनों तरफ मिट्टी के भराव या कटान को सीधा ना बनाकर उसे थोड़ा ढालू बना दिया जाता है, जिससे मिट्टी ना ढहे। तो भाई जो ढालू पोर्शन होगा साइड वाला, उसे कहते हैं हम साइड स्लोप। ये नालियों की तरफ भी होता है ढालू, इसके अलावा सड़क को भी थोड़ा सा स्लोपी बनाते हैं, ठीक है भाई। पार्श्व ढालें जो होती हैं वो भौम जल निकासी समझ रहे हैं आप, यानी जो आपका वाटर ड्रेनेज होता है, यानी नालियां हो गई,
और मृदा के प्रकार इन पर डिपेंड करता है। तो भाई फिलिंग में भी स्लोप होता है, फिलिंग में स्लोप कितना दिया जाता है 2:1 का, और कटिंग में स्लोप कितना दिया जाता है 1:1 या 1/2:1 का दिया जाता है स्लोप, जो साइड स्लोप होता है। तो फिलिंग में याद रखना 2:1 का ज्यादा होगा, कटिंग में आपका होता है भाई 1:1 या फिर 0.5:1 होता है। ठीक, साइड स्लोप देख पा रहे हैं भाई आप, यहाँ पर ये साइड स्लोप होते हैं साइड में, यहाँ भी दिखा रखे हैं आपको। ठीक, ये कटिंग में है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का जो रेशियो रहता है कटिंग में 1:1 होगा, कटिंग में 1:1, एंड इसके अलावा भाई कितना होता है आपका 1/2:1 भी यूज कर लिया जाता है। जबकि फिलिंग में जो हम इसे यूज करते हैं, फिलिंग में कितना करते हैं 2:1, 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। ठीक है, आगे भाई राइट ऑफ वे क्या होता है। राइट ऑफ वे सड़क की, भाई सड़क पट्टी की चौड़ाई, राइट ऑफ वे का मतलब समझते हैं आप भाई, सड़क निर्माण के लिए जितनी चौड़ी भूमि की आवश्यकता पड़ती है उसे कहते हैं सड़क पट्टी की चौड़ाई, राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे का मतलब जो सड़क के लिए वास्तव में जरूरी है जमीन, वो वाली जमीन। ठीक है, तो सड़क निर्माण के लिए जितनी चौड़ी भूमि की जरूरत पड़ेगी उसे कहेंगे राइट ऑफ वे। इसमें सब कुछ आ जाएगा भाई, इसके लिए भूमि का स्थायी रूप से अधिग्रहण किया जाता है, यानी जब सड़क बनाएंगे तो परमानेंटली गवर्नमेंट इसको सड़क क्या कर लेगी भाई, जगह को कब्जा करती है पैसे दे करके, मुआवजा दे करके। ठीक है, तो उसी को कहते हैं स्थायी रूप से इसके लिए अधिग्रहण किया जाता है भाई। सड़क पट्टी की चौड़ाई के अंतर्गत आपके क्या क्या आते हैं, इसमें भाई विथ ऑफ फॉर्मेशन लेवल आएगा, यानी फॉर्मेशन लेवल की चौड़ाई, और साइड स्लोप भी आ जाएगा इसमें। जल निकासी के लिए जो नालियां हैं, पेड़ पौधे हैं, सड़क सामग्री है, ये सब इसमें आ जाएंगे। बाकी भविष्य में सड़क को और अधिक चौड़ा करने के लिए जो एक्स्ट्रा भूमि है वो भी आ जाएगी। तो भाई राइट ऑफ वे में सब कुछ आ गया। जैसे मैं डायग्राम दिखाऊं आपको, एक अगर मैं एक डायग्राम दिखाऊं तो यहाँ पर राइट ऑफ वे आप बताना कहाँ है। राइट ऑफ वे देखिए यहाँ पर कहाँ है भाई, राइट ऑफ वे आपका, अगर आप इसको सही से देख पा रहे हैं, बीच में आपका एक कैरिज वे था, कैरिज वे दोनों तरफ शोल्डर हो गए, कैरिज वे और शोल्डर को बना करके फॉर्मेशन लेवल कहते हैं। तो भाई पूरा तो फॉर्मेशन लेवल आ गया, या तो कह दो फॉर्मेशन लेवल या कह दो पेवमेंट एंड शोल्डर, फॉर्मेशन लेवल आ गया। इसके अलावा फॉर्मेशन लेवल के बाद आपकी जमीन थोड़ी सी कैसी है, स्लोप है भाई, साइड स्लोप भी इसमें आ गए। इधर नालियां बनी होती है, ड्रेन भाई साइड में, इधर ड्रेन बने होते हैं, ड्रेन मतलब नाली, तो ये ड्रेन वाला हिस्सा भी इसमें ही आ जाता है आपका। ठीक है, तो ये सारा पार्ट जो आपका आ गया, जहाँ पर रोड की बाउंड्री आ गई, दोनों तरफ रोड की बाउंड्री, तो वो क्या हो जाता है आपका भाई, इसे कहते हैं राइट ऑफ वे। इसमें पूरी चीज आ जाएंगी, यहाँ पर पेवमेंट जिसमें वाहन चलेंगे, दोनों तरफ के शोल्डर आ जाएंगे, इसमें साइड स्लोप भी आ जाएगा, नालियां आ जाएंगी दोनों तरफ की, ड्रेन, सड़क के किनारे पर अगर भाई पेड़ पौधे लगे वो भी आ जाएंगे, डिवाइडर आ जाएंगे इसमें, मतलब सारा पार्ट आ जाएगा इसमें जो सड़क निर्माण के लिए जरूरी था और सरकार को इस पर भाई स्थायी रूप से अधिग्रहण करना होता है राइट ऑफ वे पर। बात क्लियर हुई सबको भाई, राइट ऑफ वे सबको रिवाइज हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। राइट ऑफ वे याद रखिएगा बच्चों, विथ ऑफ फॉर्मेशन लेवल, निर्माण तल की चौड़ाई भी इसमें आती है, साइड स्लोप इसमें आते हैं, नालियां इसमें आती हैं, और एक्स्ट्रा जमीन है जो होती है सड़क को बाद में अगर चौड़ा करना है उसके लिए, वो भी इसी में आ जाता है। इसके बाद भाई राइट ऑफ वे के बाद आगे बात करें कैम्बर क्या होते हैं, तो जो आपकी सड़क होती है बच्चों, वो बीच में ऐसे दोनों तरफ को ऐसा स्लोप की फॉर्म में बनाई जाती है। जब दोनों तरफ को सड़क को बीच में से स्लोप की फॉर्म में बनाते हैं, तो ये जो स्लोप होता है इसी को क्या कहते हैं बच्चों, कैम्बर कहते हैं। मतलब जैसे बिल्कुल प्लेन पोर्शन तो ये था, ये सीधा सीधा, लेकिन सड़क को कुछ ऊंचाई उठा करके तब ढाल के रूप में ला रहे हैं दोनों तरफ, ये जो उठान है यही वाला कैम्बर होता है अपना। ठीक है, तो सड़क सतह के मध्य भाग से किनारे की तरफ जो स्लोप दिया जाता है, मध्य वाले भाग से इस बीच वाले भाग से किनारे की तरफ जो स्लोप दे रहे हैं, इधर को भी जो स्लोप दे रहे हैं, ठीक है, अर्थात सड़क सतह का जो मध्य भाग है वो किनारे की अपेक्षा बीच वाला भाग भाई कुछ ऊंचा बनाया जाता है, जिससे वर्षा का जो पानी आसानी से बह जाए, इसे ही हम सड़क का उभार या कैम्बर कहते हैं। ठीक है भाई, कैम्बर कभी भी कर्व पे नहीं दिए जाते, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हुआ सबको ये, बहुत बढ़िया। कैम्बर आसान था, मतलब सड़क का बीच में से, सड़क का बीच वाला जो हिस्सा है उससे और किनारे की तरफ स्लोप देते हैं, इसीलिए इसको कैम्बर कहते हैं, कैम्बर। ठीक भाई, कैम्बर के बाद अब कर्व आ गया। कर्व, कर्व में आपसे क्या पूछ सकता है, जिस पर व्हीकल चलते हैं वो कैरेज भी होता है। हाँ जी बिल्कुल। अब भाई किस पर आ गए हम, यहाँ पर कर्व पर आ गए। कर्व तो सबको पता है, अगर आपकी एक सीधी लाइन ऐसे जा रही थी
अगर आपको इसके दिशा में परिवर्तन करना है तो इसके बीच में कर्व प्रोवाइड किया जाता है। किसी भी सीधी रेखा के अगर दिशा में परिवर्तन करना हो तो उनके बीच में एक कर्व दिया जाता है। ठीक है, ये चीज तो आपकी यहाँ पर समझ आ गई कर्व के इंट्रोडक्शन में आपको। अब हमारे सिलेबस में कौन कौन से कर्व दिए हैं, बेसिकली कर्व मेन दो टाइप के, हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व, ये दो टाइप के कर्व होते हैं। बाकी फिर कर्व के और भी प्रकार हैं, जिनमें से हमें सिर्फ कौन कौन से पढ़ने हैं बच्चों, इनमें से हमें सिर्फ और सिर्फ एक तो हॉरिजॉन्टल कर्व पढ़ना है, दूसरा हमें वर्टिकल कर्व पढ़ना है, और एक हमें वही ट्रांजिशन कर्व पढ़ना है। ट्रांजिशन कर्व, ये रहा ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, तो ये तो शेप के आधार पर थे सर्कुलर और ट्रांजिशन। एक तो हमें शेप के आधार पर पढ़ना था ट्रांजिशन वाला, और दो हमें इसके मेन डिवीजन में से पढ़ने थे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर्व। तो हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है भाई, एक ऐसा कर्व, अगर हम दो लाइन, हम जैसे सीधी एक लाइन में यात्रा कर रहे थे ऐसे, अगर हमें अपनी दिशा में परिवर्तन करना है, इधर आना है, तो इनके बीच में हम कर्व प्रोवाइड करेंगे भाई। तो अगर ये दिशा में परिवर्तन जो हो रहा है, अगर ये क्षैतिज तल पर होता है, क्षैतिज समतल में होता है, यानी किसी संचार लाइन के अलाइनमेंट में जो चेंज कर रहे हैं आप, संचार लाइन मतलब अगर आप किसी भी लाइन पर ट्रेवल कर रहे हैं तो उसके अलाइनमेंट में परिवर्तन यदि आप किसमें कर रहे हैं भाई, क्षैतिज तल में, क्षैतिज तल में करते हैं, तो भाई जो कर्व बनता है वो आपका हॉरिजॉन्टल कर्व कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। वर्टिकल कर्व क्या होगा, किसी संचार लाइन के अलाइनमेंट में अगर आप परिवर्तन वर्टिकल प्लेन में कर रहे हैं तो वो कैसा कर्व कहलाएगा बच्चों, वो आपका वर्टिकल कर्व कहलाता है, वो वर्टिकल कर्व कहलाता है। ठीक है, तो किसी संचार लाइन के अलाइनमेंट में परिवर्तन यदि वर्टिकल प्लेन में होता है तो वो वर्टिकल कर्व कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वर्टिकल कर्व कहलाता है। बाकी आपको सिंपल कर्व क्या कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, कंपाउंड कर्व भी नहीं पढ़ना, पूछेगा नहीं, रिवर्स कर्व भी नहीं पूछेगा आपसे, डेविएशन कर्व कुछ नहीं पढ़ना, आपको सीधे आना है ट्रांजिशन कर्व पर। ट्रांजिशन कर्व इंपोर्टेंट है आपके लिए, ट्रांजिशन कर्व, मैंने आपको ट्रांजिशन कर्व पहले भी समझाया था भाई, ये कौन सा कर्व होता है, इस कर्व में क्या होता है बच्चों, जैसे शुरू में आप बिल्कुल सीधी रेखा पर यात्रा कर रहे थे ऐसे, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है जिस पर आप यात्रा कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन की रेडियस कितनी होती है बच्चों, स्ट्रेट लाइन की रेडियस होती है इनफाइनाइट, अनंत होती है सीधी रेखा की रेडियस मतलब त्रिज्या, क्योंकि सीधी रेखा कोई कर्व तो है नहीं, अब सीधी रेखा है तो इससे वृत्त कभी बनेगा ही नहीं, आगे तक चलती जाएगी ये तो लाइन, जब वृत्त नहीं बनेगा तो इसकी त्रिज्या हो गई अनंत। ठीक, इसके अलावा एक आगे भाई आपका क्या है, एक आपका सिंपल सर्कुलर कर्व है, यहाँ पर एक ऐसा कर्व है जिसकी जो त्रिज्या है वो डेफिनेट है, स्मॉल आर इसकी त्रिज्या है। अब इन दोनों के बीच में भाई, इन दोनों के बीच में हमने एक कर्व प्रोवाइड कर दिया, एक ऐसा कर्व प्रोवाइड किया जिसकी त्रिज्या पहले तो इनफाइनाइट से जुड़ी है, इनफाइनाइट से घटती 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 कितनी हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी आपकी इस डेफिनेट के बराबर, कितनी हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी डेफिनेट के बराबर। ये ध्यान रखना है आपको, ये जो रेड से मैंने कर्व दिखाया ये क्या, ये ट्रांजिशन कर्व है आपका यहाँ से और यहाँ तक। तो एक ऐसा कर्व जैसे आप बिल्कुल सीधी रेखा में चल रहे हैं, जैसे सड़क पर चल रहे हैं आप, बिल्कुल सीधे चल रहे हैं, कहीं पे मोड़ आ गया सड़क पर, तो जब मोड़ पर एक तो सीधी रेखा में चल रहे थे पहले, फिर आपको आगे जाके मुड़ना था, तो मुड़ने के लिए सिंपल सर्कुलर कर्व है। इन दोनों के बीच में एक कर्व दिया जाएगा, सीधी रेखा के बीच में और सर्कुलर कर्व के बीच में एक कर्व दिया जाता है, वो कहलाता है ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व की जो रेडियस होती है इनफाइनाइट से और डेफिनेट होती है, इनडेफिनेट से डेफिनेट यानी अनिश्चित होगी, पर सॉरी अनंत होगी, ठीक है, अनंत से फिर एक निश्चित त्रिज्या होती है इसकी। ठीक है, इसके अलावा आप इसको कहाँ और बना सकते हैं, जैसे आपने यहाँ तो बना ही दिया सर्कुलर कर्व पर, अब अगर आपको आगे जाके फिर से सीधी रेखा से मिलना था, यहाँ ये क्या है भाई, सीधी लाइन जा रही है ये, इसके बीच में ये सीधी लाइन थी आपकी, अब आपने क्या करना है, अब भाई इसके बीच में यहाँ पर भी एक कर्व प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर ये कर्व भी आपका कैसा है बच्चों, ट्रांजिशन कर्व, यानी ट्रांजिशन कर्व सीधी रेखा और सर्कुलर कर्व के बीच में दिया जाता है, इसके अलावा सर्कुलर कर्व और सीधी रेखा के बीच में दिया जाता है, यानी इसकी जो त्रिज्या है इनफाइनाइट से और फाइनाइट यानी आर हो सकती है, इसके अलावा आर से और धीरे धीरे बढ़ करके और इनफाइनाइट भी हो सकती है। ठीक है, लाल वाला जो है ये ट्रांजिशन कर्व है, तो ट्रांजिशन कर्व क्या होता है आपसे पूछा जा सकता है भाई, ट्रांजिशन कर्व सीधी रेखा, योगी सीधी रेखा और सरल वक्र यानी सिंपल सर्कुलर कर्व, इसके बीच में लगाया जाता है भाई। ट्रांजिशन कर्व कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्पाइरल और पैराबोलिक भाई। ट्रांजिशन कर्व की जो त्रिज्या होती है वो अनंत से,
इससे अनंत से शुरू होकर और घटते घटते जो सरल वक्र है, सिंपल कर्व है, इसके स्पर्श बिंदु पर आकर सरल वक्र की त्रिज्या के बराबर हो जाती है। इसकी जो रेडियस होती है, भाई रेडियस कितनी बताइए आपको इसकी, इसकी जो रेडियस होती है इनफाइनाइट से घटते 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 सिंपल सर्कुलर कर्व के बराबर हो जाती है। ये ट्रांजिशन कर्व था भाई आपका। अब इसकी कर्व की आवश्यकता क्या क्या होती है, ठीक है, बहुत अच्छे भाई। अब कर्व की आवश्यकता क्या क्या होती है, तो ट्रांजिशन कर्व आपका सीधी रेखाओं से और टेंजेंशियल मिलना चाहिए, स्पर्श रेखीय मिलना चाहिए, पहली आवश्यकता। दूसरी, ट्रांजिशन कर्व के प्रारंभिक छोर पर इसकी त्रिज्या अनंत होती है, जबकि वृत्तीय कर्व से मिलने के बाद इसकी त्रिज्या भाई वृत्तीय कर्व के त्रिज्या के बराबर हो जाती है। ट्रांजिशन कर्व लगाते समय इसके बाहरी उठान की बढ़ोतरी दर और भाई ट्रांजिशन कर्व की जो वक्रता है इसकी बढ़ोतरी दर समान होती है, ठीक है, समझ पा रहे भाई सभी बच्चे। तो याद रखिएगा, ट्रांजिशन कर्व की लंबाई बाहरी उठान का पूर्ण मान प्राप्त हो जानी चाहिए, इतनी लंबाई हमारी जरूर रखनी है, यानी हमें ट्रांजिशन कर्व की लंबाई इतनी जरूर लेनी है कि हमें सुपर एलिवेशन पूरी लंबाई में मिल सके, ठीक है। ये इसकी कुछ आवश्यकताएं थी, बाकी बस आपको डेफिनेशन वाला पार्ट कर्व का याद रखना था। भाई सर्कुलर कर्व में और ट्रांजिशन कर्व में क्या अंतर है, तो आपको पता है सर्कुलर कर्व आपका ये हो गया, ये एक सिंपल सर्कुलर कर्व है जिसकी जो त्रिज्या होती है वो निश्चित है भाई, फिक्स है इसकी त्रिज्या। जबकि जो आपका ट्रांजिशन कर्व होता है, एक सीधी रेखा है, एक सिंपल सर्कुलर कर्व है, इन दोनों के बीच में आपने कर्व प्रोवाइड कर दिया, ये आपका ट्रांजिशन कर्व है ये वाला, इसकी रेडियस यहाँ पर इनफाइनाइट है और इधर रेडियस आर है, इन दोनों के बीच में लग रहा है ये, जबकि सिंपल कर्व की दोनों तरफ रेडियस आर थी। यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, ये एक त्रिज्या से बना होता है, भाई ये एक त्रिज्या से बना होता है, जबकि इसकी त्रिज्या कैसी होती है, परिवर्ती त्रिज्या का होता है ये, यहाँ पर इनफाइनाइट बाद में आर। भाई कर्व के सभी बिंदुओं पर रेडियस समान होगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी ले लो, सब जगह आर होगी, रेडियस आर होगी, लेकिन इसके भाई प्रत्येक बिंदु पर इनफाइनाइट से घट के धीरे धीरे और आर तक हो जाती है ये, तो प्रारंभिक बिंदु से अंत तक बदलती रहती है रेडियस। इसमें भाई कर्व के सभी पॉइंट पर जो बाहरी उठान है वो एक समान होता है, सुपर एलिवेशन, इसमें सुपर एलिवेशन सभी पॉइंट पे भाई एक समान होता है, जबकि इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन कर्व में भाई ये बदलता रहता है, ठीक है। वृत्तीय कर्व सदैव दो ट्रांजिशन कर्व के बीच में होता है, दो ट्रांजिशन कर्व के, भाई वृत्तीय कर्व दो ट्रांजिशन कर्व के बीच में कैसे होगा, देखिए पहले आप सीधी सड़क पर यात्रा कर रहे थे, फिर आपने यहाँ पर मोड़ लिया, मुड़ गए आप भाई यहाँ से, कर्व की फॉर्म में मुड़े, फिर आप दोबारा से सीधी सड़क पर निकल गए, तो यहाँ पर क्या, आपने यहाँ पर ट्रांजिशन कर्व दिया, एक ट्रांजिशन कर्व यहाँ पर दिया, यहाँ पर बेसिकली आप क्या देख पा रहे हैं कि जो आपका सर्कुलर कर्व है, दो ट्रांजिशन कर्व, ये भी ट्रांजिशन कर्व है, ये भी ट्रांजिशन कर्व, दो ट्रांजिशन कर्व के बीच में ही तो है, तो भाई वृत्तीय कर्व सदैव दो ट्रांजिशन कर्व के बीच में लगाया जाता है, वृत्तीय वक्र जो दिशा परिवर्तन के लिए दिया जाता है, ठीक है, ये सबको ध्यान रखना है। सेम पॉइंट इंग्लिश में थे, कर्व वाला पार्ट आपका लगभग खत्म। अब सुपर एलिवेशन क्या होता सुनिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़े भाई। अब सुपर एलिवेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सुपर एलिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, सुपर एलिवेशन समझ नहीं आ रही, कर पहले नहीं पढ़ा बेटा आपने, कर पहले नहीं पढ़ा क्या, ठीक है, देखिए ये रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन में सिर्फ मैं टॉपिक देखूंगा और आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा, उसी तरह रिवीजन हो पाएगा, ओके। अब सुनिए ध्यान से भाई, सुपर एलिवेशन या फिर आपका इसका दूसरा नाम होता है भाई कांट, सुपर एलिवेशन या कैंट क्या होता है, सुपर एलिवेशन सबको बताया भी हमने, जब हम सड़क पे मुड़ेंगे ना कहीं कर्व मोड़ जहाँ पे पड़ेगा, तो उस मोड़ में क्या करते हैं, हम सड़क का बाहर वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर रखते हैं, अंदर वाला नीचे रखते हैं, ताकि जो अपकेंद्री बल लगता है ना उसका प्रभाव निरस्त हो सके। अगर आप सड़क पे कभी मुड़ेंगे तो आपको पता है वहां पर वृत्तीय गति होगी और वहां पर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल की वजह से गाड़ियां पलट जाती हैं, लेकिन उस अपकेंद्री बल के प्रभाव को खत्म करने के लिए मोड़ पर जहां पर हम मुड़ते हैं वहां पर सड़क का बाहर वाला हिस्सा कुछ ऊंचा कर दिया जाता है और अंदर वाला हिस्सा नीचा रखा जाता है, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं भाई, सुपर एलिवेशन कहते हैं, यानी सड़क या रेल पथ दोनों में ही होता है और ये हमेशा कर्व पे दिया जाता है,
जहां पर मोड होता है वहां पे दिया जाता है। तो सड़क या रेल पथ के वक्रीय भाग में कर्व में बाहरी किनारे को जितना आंतरिक किनारे के सापेक्ष उठा दिया जाता है, बाहर वाला किनारा भाई जितना ऊपर उठाएंगे अंदर वाले किनारे की तुलना में, तो वो आपका सुपर एलिवेशन कहलाता है। क्यों करते हैं ऐसा भाई? तो सड़क संरेखण में जब कोई वाहन सड़क पर चलते चलते सड़क के कर्व भाग पर आ जाता है, मतलब पहले सीधा चल रहे हैं सड़क पर, फिर कहाँ आ गए भाई? कर्व पर आ गए, यानी जब कोई वाहन वृत्तीय पथ में गति करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो उस पर भाई वृत्त की त्रिज्या की दिशा में बाहर की ओर एक बल काम करता है। कौन सा बल? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल। अब भाई ट्रांजिशन कर्व जो होता है, इसके अलाइनमेंट में सड़क या रेल पथ में भाई बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे की अपेक्षा कुछ ऊपर उठा दिया जाता है, जिसे सुपर एलिवेशन कहते हैं। ये जो सुपर एलिवेशन का मान होता है, वाहन की गति वी भाई पथ की वक्रता यानी आर, कर्वेचर जो है, रेडियस जो है आर, और इस पर डिपेंड करता है, बी और आर पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। इसे भाई एच अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाहरी उठान का जो मान है वो कैसे निकालेंगे? ई बराबर बी स्क्वायर अपॉन 127 आर होता है। बी यहाँ पर भाई वाहन की गति होती है किलोमीटर प्रति घंटा में, और आर जो है रेडियस होता है मीटर में, ठीक है। तो आपको सुपर एलिवेशन फिर मीटर में ही मिलेगा, लेकिन वाहन की गति हमेशा ध्यान रखना किलोमीटर प्रति घंटा में रखी जाती है। ये फॉर्मूला आता है, डेरिवेशन होता है इसका, लेकिन आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है। ओके, क्लियर है भाई? भाई ये चीज क्लियर है सबको? इंग्लिश में भी थ्योरी रीड करिए बच्चों, रिवीजन टाइम में इंग्लिश में कैसे संभव है? मैं टेक्निकल टर्म साथ में बोलते चल रहा हूँ, आपको सिर्फ ये बताया मैंने। अगर आप सीधी सड़क पर चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, जब आप सड़क पर मुड़ेंगे कहीं पे, ठीक है, कहीं पे भी क्या करेंगे, मोड़ आएगा, मुड़ेंगे, तो मुड़ते समय वहां पर वृत्तीय गति होगी, सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर मोशन की कंडीशन में क्या होता है, आप इसकी रेडियस की तरफ को भाई एक बल काम करने लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्री बल, ठीक है। अब इस अपकेंद्री बल के प्रभाव को खत्म करने के लिए हम मोड़ पर कर्व पर क्या करते हैं, सड़क का बाहर वाला किनारा जो होता है उसको अंदर वाले किनारे की तुलना में थोड़ा ऊपर उठा देते हैं, जितना ऊपर उठा रहे हैं वही सुपर एलिवेशन होता है, ठीक है। सुपर एलिवेशन आपका बी स्क्वायर अपॉन 127 आर होता है। बी यहाँ पर भाई वेलोसिटी होती है किलोमीटर प्रति घंटे में, आर रेडियस होती है, रेडियस किसकी भाई, कर्व की रेडियस मीटर में। तो ई जो है सुपर एलिवेशन आपको मिल जाता है एम में। भाई सुपर एलिवेशन को कैपिटल एच से या फिर भाई ई से प्रदर्शित करते हैं इसको, ठीक है। सुपर एलिवेशन समझ आ गया सबको? भाई सुपर एलिवेशन क्लियर हुआ? बोलिए। बी स्क्वायर अपॉन आर जी भी होता है, क्या बोल रहे हैं, ई प्लस एफ, हाँ बिल्कुल वो भी होता है, हाँ पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी भाई। इसके बाद आगे ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब अनुलंब ढाल। ग्रेडियंट क्या होता है भाई? ग्रेडियंट मतलब ढाल हो गई, एक स्लोप हो गया एक, तो स्लोप का मतलब क्या है कि सड़क में भाई उसकी लंबाई की दिशा में दिया गया ढाल जो होता है वो कहलाता है, उसका अनुलंब ढाल यानी ग्रेडियंट कहलाता है लंबाई की दिशा में, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक स्लोप दे दिया आपने, ये वाला, ये क्या आपका, ये ग्रेडियंट हो गया, लेकिन ये हमेशा किधर होता है भाई, अनुलंब ढाल मतलब लंबाई की दिशा में होती है, ठीक है। एक तो होता है आपका साइड स्लोप, वो लेटरल डायरेक्शन में होता है, और अनुलंब ढाल मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, ठीक है। जैसे आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूं, आप सबको पता है जो सड़क आपकी होती है वो कैसी होती है, कुछ इस तरह से होती है। मैं क्रॉस सेक्शन बता रहा हूँ जिस सड़क पे आप लोग यात्रा करते हैं, वो सड़क देखने में आपको कुछ ऐसी लगती है, एक्चुअली ट्रेपेजॉइडल शेप में होता है सड़क का सेक्शन जो होता है। अब ये कैसे सर, ऐसी सड़क थोड़ी ना होती है, आप कहेंगे, बिल्कुल बेटा ऐसी होती है। आप जिस पोर्शन पे यात्रा करते हैं ना सड़क पे, वो ये वाला है, वो ये वाला, इस पे वाहन चलते हैं, इस पे चलते हैं वाहन, इस पे इस वाले पोर्शन पे, इस पर वाहन चलते हैं। तो यहाँ पर सड़क दोनों तरफ जो है स्लोप रहता है, सड़क में ढाल रहती है, ढलान, इस साइड को भी और इस साइड को भी, दोनों तरफ बीच में उठा हुआ पोर्शन है, सड़क सीधी सीधी जा रही है ऐसे। जब सड़क ऐसे जा रही है तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो आपका ये वाला स्लोप है, ये वाला, ये इस स्लोप को तो भाई हम साइड स्लोप कहते हैं, साइड स्लोप। अब जो आप लंबाई में सड़क को ले जा रहे हैं ऊपर, ये आगे की तरफ, इसमें जो आपका स्लोप दिया जाता है बेटा लंबाई की दिशा में, ये एल है ना, लंबाई एल है, इसकी डायरेक्शन में जो आपका स्लोप दिया जाता है
इस लंबाई वाले पोर्शन पे वो स्लोप कहलाता है आपका ग्रेडियंट। यहाँ पर यही कहा गया है आपसे, यहाँ पर क्या कहा गया है भाई, यही कहा गया है क्या ग्रेडियंट क्या होता है, तो सड़क में इसकी लंबाई की दिशा में दिया गया स्लोप ये कहलाता है ग्रेडियंट भाई। इसे प्रवणता भी कहते हैं, सड़क में राइज हो तो ये पॉजिटिव होता है और सड़क में फॉल हो तो ये नेगेटिव होता है। वास्तव में भाई ये दोनों ढाल ही होते हैं, मतलब ये सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक ही ढाल होते हैं, लेकिन ये दिशा के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, जैसे सड़क आपका सीधा यहाँ देख पा रहे होंगे डायग्राम में आप, यहाँ पर एक सड़क थी आपकी भाई, ठीक है, इसमें आपको कह दिया हॉरिजॉन्टल आप 20 मीटर चल रहे हैं सपोज, या 20 चल रहे हैं, वर्टिकल एक चल रहे हैं, ये जो स्लोप आपको दिया गया है वो कितना 1:20 का है, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आपको दी गई है ये डिस्टेंस के करेस्पॉन्डिंग आपने स्लोप देखा ये वाला, ये जो स्लोप है आपका क्या है, ये ग्रेडियंट कहलाएगा, ढाल जो होती है। अगर आपको वार्ड ग्रेडियंट है तो पॉजिटिव होगा, डाउनवार्ड ग्रेडियंट नेगेटिव होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके टाइप वगैरह कुछ नहीं पढ़ने, ग्रेडियंट मतलब एक स्लोप जो लंबाई की दिशा में दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे भाई साइड डिस्टेंस, बस चैप्टर खत्म होने वाला जल्दी से ये भी। अब बात कर रहे हैं भाई साइट डिस्टेंस क्या होती है, साइट डिस्टेंस मतलब दर्श दूरी, दर्श दूरी मतलब जिस दूरी को आप देख सकते हैं आंखों से। ठीक है, कोई वाहन है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आगे कोई वाहन आ रहा है आगे से, तो उसको आप जिस दूरी से देख सकते हैं वो दूरी आपकी दर्श दूरी होती है। तो सड़क पर सीधी दूरी भाई जहां तक चालक जो है साफ साफ देख सके और आगे स्थित कोई बाधा या खतरे को देखकर वाहन को रोक सके वो दर्श दूरी कहलाती है। अधिक तेज गति के वाहनों के लिए भाई दर्श दूरी जो है अधिक होनी, मतलब अधिक दर्श दूरी की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य सीधी और समतल सड़क पर चालक 300 मीटर दूरी तक देख सकता है। अगर आप वाहन चला रहे हैं तो अपने आंखों से जहां बैठे हैं वहां से लगभग 300 मीटर दूर तक का देख सकते हैं सीधी सड़क पर, प्लेन रोड है तो। अगर आगे कोई बाधा वगैरह तो आप आराम से गाड़ी को रोक सकते हैं, ये आपकी साइड डिस्टेंस होती है। यहाँ से आप वाहन चला रहे हैं, इधर जैसे कोई पेड़ टूटा हुआ पड़ा है तो आप इसको यहाँ से और यहाँ तक लगभग 300 मीटर दूरी तक देख सकते हैं, तो ये आपकी दर्श दूरी होती है साइड डिस्टेंस। भाई साइड डिस्टेंस जो होती है आपकी, इसमें एक ब्रेकिंग डिस्टेंस भी होती है, ब्रेक कब लगानी है आपको। तो भाई ब्रेक लगाने पर भी वाहन सड़क पर कुछ दूरी, मतलब ब्रेक लगाने के बाद भी जो वाहन है आपका वो कुछ दूरी सरकता हुआ आगे निकल जाता है, इसी को ब्रेक डिस्टेंस कहा जाता है। भाई ब्रेक की क्षमता पर ये डिपेंड करता है, अगर ब्रेक तुरंत लग जाती है डिस्क ब्रेक टाइप से तो ये दूरी कम मिलेगी आपको, अगर ब्रेक थोड़ी देर में लग रही है तो दूरी ज्यादा मिलेगी। ये तो ब्रेक की क्षमता पर डिपेंड करती है ब्रेकिंग डिस्टेंस। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो आपका टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंस है, दर्श दूरी कितने प्रकार की है। दर्श दूरी हमारी तीन प्रकार की होती है, इनमें से दो आपके सिलेबस में है। कौन कौन सी दो सिलेबस में, एक ये है सिलेबस में और एक ये, भाई स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, रोक दर्श दूरी। आपने किसी बाधा को देखा, उस बाधा को देखा और देखने के बाद आप गाड़ी रोक रहे थे, तो वो आपकी कौन सी भाई स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है। दूसरा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, मतलब किसी वाहन को आप ओवरटेक कर रहे हैं, तो जितनी दूरी से आप ओवरटेक करना शुरू कर रहे हैं वाहन को वो दूरी आपकी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है। क्रॉस साइड डिस्टेंस, अगर आपको कोई भी वाहन क्रॉस करना है तो उसके लिए जो दूरी होती है दर्श दूरी वो आपकी क्रॉस साइड डिस्टेंस होती है। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का मतलब है किसी वाहन को भाई डिजाइन स्पीड से आप चला रहे हैं, यानी सड़क आपकी जिस स्पीड के लिए डिजाइन की गई थी आप उस सड़क के ऊपर उसी स्पीड में वाहन चला रहे हैं। डिजाइन स्पीड मतलब होता है बच्चों कि सड़क को जिस स्पीड के लिए डिजाइन किया गया कि इस सड़क पर इतने स्पीड के वाहन चल सकते हैं, तो वो स्पीड आपकी डिजाइन स्पीड होती है। तो किसी वाहन को आप डिजाइन स्पीड, अभिकल्प चाल मतलब होता है डिजाइन स्पीड, तो डिजाइन स्पीड से चलते हुए सामने सड़क पर किसी बाधा या खतरे को उपस्थित देखकर रुकने के लिए जो सड़क दूरी चाहिए। भाई दोबारा सुनिए, अगर आप किसी वाहन को डिजाइन डिस्टेंस से चला रहे हैं, डिजाइन स्पीड से चला रहे हैं, तो इसको चलाते हुए सामने सड़क पर कोई बाधा आ गई या कोई खतरा आ गया तो उसको उपस्थित देखकर रुकने के लिए जो सड़क दूरी चाहिए वो होती है भाई आपकी रोक दर्श दूरी, जिससे आप या इसको सुरक्षित रोक दूरी भी कहते हैं। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मतलब क्या है, आप वाहन चला रहे हैं डिजाइन स्पीड से, आगे कोई बाधा आ गई, आपने बाधा को देखा और गाड़ी को रोका, तो उसको रोकने के लिए
ऐसा तो नहीं बिल्कुल पास में, जब आप बिल्कुल पास पहुंच गए तब देखते, तब ब्रेक लगा रहा तब तक ठुक जाएगी गाड़ी आपकी। तो भाई किसी भी वाहन को आपने देख लिया, किसी बाधा को देख लिया वाहन में बैठ के, किसी भी ऑब्स्टेकल को देख लिया, रुकावट को देख लिया, तो उस रुकावट को देख करके आपने गाड़ी को रोकने के लिए जितनी दूरी चाहिए मिनिमम, हमें मान लो किसी दूरी से, जैसे मान लो यहाँ पर कोई वाहन था आपका, मतलब यहाँ पर कोई पेड़ टूटा हुआ पड़ा है, ये कोई पेड़ था जो टूटा पड़ा था, आप यहाँ से गाड़ी लेके आ रहे थे इधर से, आपने क्या किया इसको देखा कि यहाँ पर कोई बाधा है, इसको देखने के बाद जितनी दूरी चाहिए मिनिमम ब्रेक लगाने के लिए, इस गाड़ी को रोकने के लिए, वो होती है भाई स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो डिजाइन स्पीड से चलते हुए सामने सड़क पर किसी बाधा या खतरे को उपस्थित देखकर रुकने के लिए जो सड़क दूरी चाहिए उसे रोक दर्श दूरी या सुरक्षित रोक दूरी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला भाई क्या होता है, जो आपकी रोक दर्श दूरी होती है इसका होता है अंतराल दूरी, अंतराल दूरी यानी स्पेसिंग डिस्टेंस, और लॉगिंग डिस्टेंस, इसके बाद ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, सॉरी, ये तो हिंदी में है अंतराल दूरी और ब्रेकिंग दूरी, इन दोनों का योगफल। अंतराल दूरी मतलब कितना गैप था दूरी का, ब्रेकिंग दूरी जितनी दूरी से आपने ब्रेक लगाई, इन दोनों का योगफल। तो SSD का फॉर्मूला, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला BT+B² / 2GF होता है। फॉर्मूला याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, बस डेफिनेशन याद रखिएगा। डेफिनेशन आपसे पूछेगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती है किसी बाधा को देखकर वाहन को रोकने के लिए जितनी मिनिमम दूरी की आवश्यकता होगी वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहलाता है। यह अंतराल दूरी और ब्रेकिंग दूरी का योगफल होता है, BT+B² / 2GF होता है। BT अंतराल दूरी होती है और ये आपका B² / 2GF जो है ब्रेकिंग दूरी होती है। ठीक, अब यहाँ पर ये होनी कितनी चाहिए, अगर भाई आपकी डिजाइन स्पीड जो है किलोमीटर प्रति घंटे में 20 मीटर है तो ये आपकी SSD 20 मीटर होनी चाहिए। अगर ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है आपका व्हीकल तो इसके लिए 25 होनी चाहिए, 30 के लिए 30, अब 40 के लिए 45। अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है वाहन तो इसके लिए मिनिमम 45 मीटर दूरी चाहिए आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। 50 की स्पीड से चल रहा है तो 60 चाहिए, जस्ट एग्जाम्पल है, ये रटने नहीं है आपको लास्ट मोमेंट पर। ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बाद भाई आपका क्या आएगा आगे, इसके बाद आपका आता है लैगिंग डिस्टेंस। अंतराल दूरी क्या होती है, अंतराल दूरी सिलेबस में नहीं है बट फॉर्मूले में आई थी, इसलिए वह दूरी जिसमें एक वाहन एक समय अवधि टी में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है, तो अंतराल दूरी भी इंटू टी आती है, वेग और समय का गुणनफल अंतराल दूरी आ जाता है। अंतराल दूरी याद नहीं रखना, आपको याद रखना था ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या है। एक आपको भाई चलिए क्रॉस वाला भी पढ़ लेते हैं, क्रॉस साइड डिस्टेंस, लेकिन हमारे सिलेबस में क्रॉस वाला नहीं है, स्टॉपिंग है और ओवरटेकिंग है। स्टॉपिंग आप समझ गए थे, इसको एक बार सुन लेंगे कि सिंगल लाइन वाली सड़क पर जब विपरीत दिशा से आने वाले वाहन एक दूसरे को साइड से क्रॉस करते हैं तो दोनों वाहन को अपने अपने बाएं स्थित जो बर्म है यानी स्कंद, इस पर एक दो पहिया उतारना पड़ता है, तथा क्रॉस करने के बाद पुनः वाहन सड़क पर यानी पेवमेंट पर आ जाता है। तो वाहन की चाल कम करने तथा दूसरे वाहन को पार करने के लिए आवश्यक दूरी जो होती है उसे भाई कहते हैं क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस, यानी कोई व्हीकल है उसकी चाल कम करने के लिए, स्पीड कम कर सके और दूसरे वाहन को पार कर सके, तो वो जो दूरी है जहां से हम स्पीड कम करना शुरू कर रहे हैं और किसी दूसरे व्हीकल को क्रॉस कर रहे हैं तो उस दूरी को कहते हैं भाई क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस। ये भाई जो आपकी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है उसकी 2 गुना होती है, कितनी होती है भाई 2 गुनी ली जाती है उसकी। ये आगे आता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, जैसे एक वाहन ये है, दूसरा बीच में, तीसरा आगे से आ रहा था इस तरफ, तो आपने आपने इस दूसरे नंबर के व्हीकल को यहाँ से क्या करना है भाई, यहाँ से ओवरटेक करना है। तो इसको ओवरटेक करने के लिए कितनी मिनिमम दूरी चाहिए कि आपका आगे वाला जो आगे से वाहन आ रहा था ये आपके वाहन के साथ टकराए ना और आप इस वाहन को भी ओवरटेक कर पाए। तो जब किसी तेज गति वाले वाहन को अपने आगे धीमी गति से चलने वाले वाहन को सामने से आने वाले वाहन को बिना बाधा पहुंचाए पार करना होता है तो उसे भाई उसके लिए आवश्यक दूरी को हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस यानी प्रतिक्रमण दर्श दूरी कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये वह दूरी जिसमें आप अपने आगे चलने वाले कम स्पीड के व्हीकल को ओवरटेक करने के लिए और आगे से आने वाले भाई आगे से आने वाले दूसरे व्हीकल को बाधा पहुंचाए बिना इस व्हीकल को क्रॉस करने के लिए जो डिस्टेंस आपको चाहिए वो डिस्टेंस होती है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस।
ठीक है। इसके बाद भाई रोड के क्रॉस सेक्शन है, ये आपको ऑलरेडी आता है बनाना बहुत अच्छे से। अगर आपसे पूछा जाए रोड का क्रॉस सेक्शन किसमें बनाना, भाई फिलिंग में। फिलिंग में कैसे बनाएंगे, जमीन आपके नीचे है ठीक है, इसके बाद ऊपर आपको पेवमेंट बनाना, या पेवमेंट बना लिया आपने, बीच में मिट्टी भरी जाएगी बीच में, यहाँ ऐसे ऐसे दोनों तरफ आपका बर्म रहेगा भाई। बर्म ये हो गया आपका बर्म, आप बर्म के ऊपर ही मील का पत्थर लगा सकते हैं या दूरी का डिस्टेंस वाला पत्थर लगा सकते हैं, दिखा रखा है ये। दोनों तरफ साइड स्लोप हो गया, इधर भी साइड स्लोप भाई, जिसे ग्रेडियंट भी कहते हैं आप, ढलान हो गया ये। इसके बाद ढलान के बाद भाई क्या होगा, आप इस पे और जगह थोड़ी खाली छोड़ देते हैं, जिस पे आप क्या लगा सकते हैं, पेड़ पौधे कुछ लगा सकते हैं रोड के किनारे। फिर साइड में आपकी नाली होती है, ड्रेन, नाली दोनों तरफ रहेगी, ड्रेन भाई ये ड्रेन। ड्रेन के बाद फिर कुछ स्पेस छोड़ करके, और आप सड़क सीमा पत्थर लगा देंगे, बाउंड्री वाला पत्थर, कि यहाँ तक आपकी सड़क की बाउंड्री है, बाउंड्री जहां तक मिल जाती है वो आपका राइट, भाई आप इसको क्या कहते हैं, ये आपका राइट ऑफ वे होता है, जहां तक आपकी बाउंड्री होती है रोड की, ठीक है। पेवमेंट वाला हिस्सा और ये बर्म, इन दोनों को मिला करके आपका फॉर्मेशन विथ बनता है, टर्मोलॉजी समझा दीजिएगा, बन गया आपका रोड का क्रॉस सेक्शन। ये रोड का क्रॉस सेक्शन है फिलिंग में, कटिंग में जमीन के नीचे बनेगा ये वाला हिस्सा। अगर कटिंग में पूछेगा आपसे भाई कटिंग में कैसे बनाएंगे आप, ये भाई क्रॉस सेक्शन है कटिंग में, तो ये आपकी जमीन है, ये वाला पूरा पोर्शन क्या बच्चों, ये जमीन थी, ये जमीन है, यहाँ पर पूरी स्ट्रक्चर जमीन के नीचे बनी है, यानी यहाँ पर जो आपका रोड है ना कटिंग में बेटा, जमीन को यहाँ से पहले काटा गया, इतने पोर्शन तक काटा गया जमीन को, यहाँ तक जब आपने जमीन को इतना काट दिया पूरा यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद आपने इसके ऊपर बनाई सड़क, तो पहले आपने फिलिंग किया यहाँ पर ठीक है, इसके बाद फिर आपने यहाँ पर पेवमेंट डाल दिया। पेवमेंट के दोनों तरफ आपने इधर को भाई, इधर को क्या छोड़ रखा है, बर्म या शोल्डर छोड़ रखे हैं, फिर साइड स्लोप है दोनों तरफ, ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ के इधर आपके ड्रेन नाली वगैरह निकाल देते हैं, इस तरह से आप इसको भी बना सकते थे ठीक है। एग्जाम में पूछ ले तो बना के आइएगा जरूर, बहुत बढ़िया, बस काफी है इतना। यहाँ दिखा रखा है भाई आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ विलेज रोड, विलेज रोड हो अब विलेज रोड सिंपल सा है, आपने सिर्फ पेवमेंट दिखा दिया दोनों तरफ, आपने यहाँ पर शोल्डर दिखा दिया, इधर आपने ग्रेडियंट या स्लोप दिखा दिया, पेड़ लगा दिया, फिर नालियां बना दी, दोनों तरफ बाउंड्री बना दी, बाउंड्री बनाने के बाद आपका रोड बन गया ये ठीक है भाई। ये चैप्टर आपका खत्म हुआ, दूसरा दूसरा चैप्टर आपका खत्म हुआ, अब तीसरा चैप्टर शुरू होगा ठीक है भाई। दो चैप्टर आपके खत्म हो गए 1.5 घंटे में लगभग, और ऐप पर ही हमारे 14-15 लेक्चर थे, काफी बड़ा पोर्शन था ऐप पर, तो ये बस हमें ऐसे ही जल्दी जल्दी रिवाइज करते चलना है, ओके स्पीड से। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अब तीसरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, जिसका नाम है रोड अलाइनमेंट। अब यहाँ स्पेशली अलाइनमेंट की बात कर रहा है ठीक है। हाँ कंप्लीट हो गया भाई दूसरा चैप्टर, और चीजें जो आपने सुनी है ना, ये चीजें सुन सुन के आपको याद हो गई होंगी आसानी से, कई बार आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जस्ट रिवीजन था आपके लिए, इसीलिए मैं आपका काम आसान करने आया हूँ, आप अपने से ना पढ़ पा रहे हो, उन्हीं चीजों को बोल बोल के रिवाइज कर दे रहा हूँ, तो ये चीजें आपको याद रहेंगी कल तक ठीक है। तीसरे चैप्टर पर आते हैं अब। हाँ कल सुबह भी लेक्चर ले लेंगे, ओके चलिए अब आ जाते हैं इस पर भाई, रोड अलाइनमेंट पर। इसका किताबों में नाम हाईवे, ये हाईवे सर्वे एंड प्लान भी होता है, बाकी रोड अलाइनमेंट के नाम से हम इसको पढ़ेंगे। रोड अलाइनमेंट में ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने हैं आपको, सिर्फ 5 टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है, जस्ट अभी आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। हाँ ओके, तो यहाँ पर बात करें सड़क संरेखण के निर्धारण में मूल विचारण, ये बातें कौन कौन सी है, बेसिक कंसिडरेशंस गवर्निंग अलाइनमेंट ऑफ ए रोड। भाई कोई भी रोड है, तो इस रोड के लिए अगर आपको सड़क संरेखण, भाई आपको सड़क का संरेखण करना है, अलाइनमेंट करना है, तो अलाइनमेंट के निर्धारण में कौन कौन सी बातें हैं, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पहला क्वेश्चन, ये पूछा भी गया बहुत बार, पहला क्वेश्चन पूछा अगर आपको सड़क का अलाइनमेंट तैयार करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। दूसरा भाई दूसरा, वॉट इज हाईवे अलाइनमेंट, हाईवे अलाइनमेंट होता क्या है, सबको पता है क्या होता है ये, यानी अगर आप सड़क का निर्माण कर रहे हैं, तो सड़क के निर्माण के लिए जो आप सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, सड़क के निर्माण के लिए क्या करेंगे बच्चों, आप एक सेंटर लाइन पहले बना लेते हैं मैप पर, आप कि आपको यहाँ यहाँ होकर रोड निकालना है ठीक है, तो वो सेंटर लाइन जो आप बना रहे हैं, वो लेआउट जो तैयार कर रहे हैं, वो ये अलाइनमेंट होता है आपका। फिर हॉरिजॉन्टल
हाईवे अलाइनमेंट और वर्टिकल हाईवे अलाइनमेंट, दो तरह के अलाइनमेंट होते हैं, हाईवे प्लानिंग क्या ये पढ़ना है। तो पहला टॉपिक और लास्ट का टॉपिक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, पहला और लास्ट का ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स आपके। सबसे पहला टॉपिक है बेसिक, ये समझना है आपको कि सड़क अलाइनमेंट के निर्धारण में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली बात सुनेंगे भाई, सड़क का अगर आप अलाइनमेंट तैयार कर रहे हैं कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले सड़क का संरेखण यातायात को ध्यान में रखकर किया जाता है। यातायात को ध्यान में रखने से मतलब क्या है बच्चों, कि जो आपका ट्रैफिक है वो कितना है, ज्यादा है या कम है। इसके अलावा सड़क आपकी कहाँ कहाँ होके निकलेगी, इस बात को ध्यान में रख के तो अलाइनमेंट करेंगे हम भाई। और सड़क कहाँ से निकलनी चाहिए भाई, रेलवे स्टेशन के पास से जानी चाहिए, क्यों जानी चाहिए, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर भी लोग जाएंगे सड़क के माध्यम से ही। इसके अलावा कोई धार्मिक स्थल है वहां से होकर गुजरनी चाहिए, कोई फैक्ट्री है वहां से होकर गुजरनी चाहिए, ठीक है। तो सड़क का अलाइनमेंट यातायात को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए, अर्थात सड़क संरेखण, स्कूल, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थल, कारखाने इत्यादि के पास से होकर गुजरना चाहिए, जिससे सड़क की जो उपयोगिता है वो बढ़ जाए, यूटिलिटी बढ़ जाए। तो सड़क का अलाइनमेंट का मतलब है कि आप सड़क का नक्शा तैयार कर रहे हैं, आपने सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली, हमारी सड़क यहाँ यहाँ होके गुजरेगी, तो कहाँ कहाँ होके गुजरनी चाहिए ध्यान रखेंगे। सड़क का अलाइनमेंट भाई ट्रैफिक को ध्यान में रख के करना चाहिए। और आपकी जो सड़क है वो स्कूल, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थल, कारखाने इत्यादि के पास से होके गुजरना चाहिए, इससे सड़क की उपयोगिता बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट भाई, सड़क संरेखण करते समय कुछ ऐसे स्थान आते हैं जिन्हें जोड़ना जरूरी होता है, ठीक है, या कुछ ऐसे स्थान भी आते हैं भाई जिन्हें संरेखण से दूर रखना जरूरी होता है, जिसके कारण सड़क संरेखण में मोड़ देने पड़ते हैं, इससे सड़क की निर्माण लागत बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है क्या, कि हमें अलाइनमेंट बनाते समय उन स्थानों का भी ध्यान रखना है जिन्हें हमें जोड़ना जरूरी है। कुछ इंपोर्टेंट, कोई इंपोर्टेंट प्लेस आ गया, आपको उसको रोड के साथ कनेक्ट करना है तो उसे कनेक्ट करना जरूरी है। कुछ ऐसी जगह आ गई जहां पर उसे छोड़ना है, जैसे आप सड़क बनाते आ रहे थे, बीच में कोई नदी पड़ गई भाई, यहाँ पर कोई भी नदी पड़ गई, तो नदी पड़ गई तो या तो इसके ऊपर होकर ब्रिज बनाओ, ओवरब्रिज, वहां से सड़क निकालो, ठीक है, या भाई यहाँ से नदी के पास वाले हिस्से से हटा लो सड़क को, कहीं साइड होकर निकाल लो सड़क को, फिर इधर से कहीं से, ठीक। तो या तो कुछ ऐसे स्थान है जिन्हें जोड़ना जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट है बहुत, और कुछ ऐसे स्थान है जिन्हें छोड़ना जरूरी होता है। इस केस में निर्माण लागत तो बढ़ जाती है, बट इन चीजों का ध्यान रखना होता है, कौन से स्थान ऐसे हैं जिन्हें छोड़ना है, कौन से ऐसे जिन्हें जोड़ना है। आगे भाई, सड़क संरेखण करते समय हमें पेवमेंट की चौड़ाई का ध्यान रखना चाहिए, डिजाइन स्पीड का ध्यान रखना चाहिए, जो जो हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था ना, उन सब बातों का ध्यान रखना है। किन किन बातों का भाई, यान पथ की चौड़ाई का, डिजाइन स्पीड का, साइट डिस्टेंस, दर्श दूरी का, ग्रेडियंट का, कर्व की रेडियस का, इन सभी बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। भाई सड़क आपकी पहाड़ी क्षेत्रों में स्थलाकृति के कारण, भाई पहाड़ी क्षेत्र में अगर सड़क है तो पहाड़ी क्षेत्रों में स्थलाकृति के कारण सड़क संरेखण कार्य बहुत कठिन और खर्चीला होता है। इस क्षेत्र में वर्षा जल निकासी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होना चाहिए, वर्षा जल निकासी पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा अलाइनमेंट बनाना है कि आपका जो बारिश का पानी है वो आसानी से निकलता रहे। सड़क संरेखण का खर्च भी भाई सड़क निर्माण लागत में ही होता है, अतः हमें सड़क का अलाइनमेंट ऐसे स्थानों से किया जाना चाहिए जहां पर मिट्टी का बराबर कटान कम से कम हो और पुल पुलिया कम पड़ते हो, इससे खर्चा कम हो जाएगा भाई। बात समझ पा रहे हैं सब बच्चे, ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, याद रहेंगे कौन कौन से पॉइंट बच्चों, कौन कौन से पॉइंट है आपको याद रहेंगे। पहला पॉइंट क्या बताया, कि सड़क का संरेखण यातायात को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए। आपकी जो सड़क है स्कूल, रेलवे स्टेशन, कारखाने, इसके अलावा धार्मिक स्थल, इन सभी के पास से गुजरनी चाहिए ताकि उसकी यूटिलिटी बढ़ पाए, उपयोगिता बढ़ पाए। भाई सड़क संरेखण करते समय ऐसे स्थान आएंगे जिन्हें जोड़ना जरूरी है और कुछ ऐसे स्थान आएंगे जिन्हें अलाइनमेंट से भाई छोड़ना जरूरी होगा या दूर रखना जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मोड़ देने पड़ेंगे कर इसमें रोड में, तो इससे निर्माण लागत बढ़ जाएगी, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको। सड़क संरेखण करते समय आपको यान पथ की चौड़ाई का, डिजाइन स्पीड का, दर्श दूरी का, अनुलंब ढाल का, कर्व की त्रिज्या का, इन सब का भी ध्यान रखना है, ठीक। पहाड़ी क्षेत्रों में भाई स्थल आकृति के कारण क्या होता है, सड़क संरेखण का कार्य बहुत कठिन हो जाता है और हमें यहाँ पर वर्षा जल निकासी का भी ध्यान रखना होता है।
सड़क संरेखण का भाई खर्च भी सड़क के निर्माण में शामिल होता है, इसीलिए हमें अलाइनमेंट ऐसे स्थान से गुजारना चाहिए जहां पर भराव और कटान न्यूनतम हो और पुल और पुलिया कम पड़े, ठीक है, निर्माण व्यय भी हमारा कम आएगा इससे। क्लियर भाई, ये 5 पॉइंट आपको याद रखने थे, पहला टॉपिक खत्म। दूसरा, हाईवे अलाइनमेंट होता क्या है, तो आप सबको पता है कि हम अगर हाईवे की भाई केंद्रीय रेखा की स्थिति बता रहे हैं, मतलब सेंट्रल लाइन जो होती है, सेंट्रल लाइन की स्थिति या जमीन पर नियोजित महामार्ग लाइन के लेआउट को ही हम क्या कहते हैं, महामार्ग संरेखण कहते हैं, ठीक है। महामार्ग संरेखण को आमतौर पर भाई महामार्ग योजनाओं पर दो भागों में बांट देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल हाईवे होता है, हाईवे अलाइनमेंट होता है, दूसरा वर्टिकल हाईवे अलाइनमेंट होता है। हाईवे अलाइनमेंट है क्या, समझ आ रहा है सबको भाई? अगर हमें हाईवे बनाना है तो हाईवे बनाने के लिए जो हम सेंटर लाइन की पोजिशन बनाते जाते हैं, कहाँ कहाँ होके रोड गुजरेगा, वो सेंटर लाइन की पोजिशन ही क्या कहलाती है आपकी, रोड अलाइनमेंट कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक हॉरिजॉन्टल हाईवे अलाइनमेंट और दूसरा वर्टिकल हाईवे अलाइनमेंट। अब हॉरिजॉन्टल हाईवे अलाइनमेंट क्या होता है भाई, हॉरिजॉन्टल हाईवे अलाइनमेंट है मतलब ये सड़क के क्षैतिज पाथ को कवर करता है, रोड का जो हॉरिजॉन्टल वाला पाथ है उसको कवर करता जाता है। ये वर्टिकल वाले में ऊपर को चढ़ेगी सड़क, ऐसे ढलान होगी, ऊपर को जाएगी सड़क, हॉरिजॉन्टल में क्या होगी, बस क्षैतिज एरिया में फैली होगी, ऐसे ऐसे कहीं पर चढ़ाई नहीं आएगी ऊपर को, ठीक है। तो ये सड़क के क्षैतिज पथ को कवर करता है, या तो ये सीधा होता है या घुमावदार या दोनों। सड़क अलाइनमेंट का जो शीर्ष दृश्य है भाई, सड़क का क्षैतिज अलाइनमेंट को दर्शाएगा। शीर्ष दृश्य समझते हैं, टॉप व्यू भाई, टॉप व्यू समझ पा रहे हैं सब बच्चे? पहली चीज तो ये भाई जो आपका हॉरिजॉन्टल हाईवे अलाइनमेंट है, ये सड़क के हॉरिजॉन्टल पाथ को कवर करेगा। दूसरी चीज, ये सीधा या घुमावदार या दोनों तरह का हो सकता है भाई। सड़क का अलाइनमेंट जो है हॉरिजॉन्टल वाला, ये टॉप व्यू के, टॉप व्यू से पता चलेगा, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो पता चलेगा, जबकि वर्टिकल वाला जो है वो फ्रंट व्यू से पता चलता है, एलिवेशन से। तो भाई शीर्ष दृश्य यानी टॉप व्यू सड़क का क्षैतिज अलाइनमेंट दर्शाता है। अगर वर्टिकल वाले की बात करें, देखिए ऊपर को चढ़ान आ रहा है ऐसे करके, यानी कि जमीन के ढाल, ढलान या समतलन से संबंधित है ये भाई। सड़क संरेखण का सामने का जो दृश्य है, यानी आप कह दो टॉप व्यू, सॉरी फ्रंट व्यू, या कह दो आप पार्श्व दृश्य यानी साइड व्यू, ये आपको लंबवत संरेखण के बारे में समझने में मदद करता है। यानी कि जो वर्टिकल हाईवे अलाइनमेंट है, इसको समझने के लिए हमें फ्रंट व्यू या साइड व्यू देखना होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल वाले के लिए हमें टॉप व्यू की जरूरत पड़ती है। बात समझ आई? आगे हाईवे प्लानिंग क्या है भाई, अगर आप किसी भी हाईवे को बनाने का प्लान कर रहे हैं, यानी कोई भी नई सड़क बनाते समय भाई जिन बिंदुओं पर आपको गंभीरता से सोचना है, वो सब हाईवे प्लानिंग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट है, पहला है इकोनॉमिकल स्टडी, यानी हमें आर्थिक अध्ययन करना है। अगर आप रोड, आप किसी हाईवे की प्लानिंग कर रहे हैं हाईवे बनाने की, तो पहले क्या करना है आपको भाई, सबसे पहले आपको आर्थिक अध्ययन करना है, क्या करना है, इकोनॉमिकल स्टडी करनी है। दूसरा फाइनेंशियल स्टडी करनी है। फाइनेंशियल स्टडी का मतलब क्या है बच्चों, फाइनेंशियल स्टडी का मतलब हो गया आपको यहाँ पर कि आपको वित्तीय अध्ययन करना है कि आपके पास पैसा कितना है। फिर ट्रैफिक सर्वे, वहां पर कितना यातायात है, ऐसा तो नहीं हम सड़क ऐसी जगह बना रहे हैं जहाँ पर लोग ही ना हो, कम लोग गुजरे वहां से भाई। इंजीनियरिंग सर्वे भी करना है इसका, और हाईवे लोकेशन, ये 5 हेडिंग है इसकी भाई, 5 हेडिंग है इसकी। कौन कौन सी 5 हेडिंग है बच्चों, पहली इकोनॉमिकल स्टडी, दूसरी फाइनेंशियल स्टडी, तीसरी ट्रैफिक सर्वे, चौथी इंजीनियरिंग सर्वे, और पांचवी हाईवे लोकेशन। सबसे पहले इकोनॉमिकल स्टडी, इकोनॉमिकल स्टडी में क्या क्या पॉइंट आएंगे भाई आपके, तो सड़क निर्माण से भाई, सड़क निर्माण जो है उससे उस क्षेत्र की कितनी जनसंख्या को लाभ होगा और कितनी मात्रा में सामान ढोया या मतलब ढोया जा सकेगा, ये बात भी डिपेंड करेगी हमारी हाईवे प्लानिंग में। मतलब हाईवे प्लानिंग में आपको इकोनॉमिकल स्टडी से देखना है, इकोनॉमिक एक तरह से आप इस हाईवे को बनाना है तो देश की इकोनॉमी को कितना फायदा होगा इससे। फायदा तभी होगा जब ज्यादा जनसंख्या इस सड़क से गुजरेगी, क्योंकि जब ज्यादा लोग ट्रेवल करेंगे तो उतना ही ज्यादा टैक्स आएगा गाड़ियों से, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी जो मास ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें आपके जो सरकारी गाड़ियां चलती हैं, उससे भी आपको ज्यादा मतलब सरकार को यहाँ से पैसा ज्यादा मिलेगा, तो इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था सही होगी भाई। सड़क निर्माण से उस क्षेत्र की कितनी जनसंख्या को लाभ होगा और कितनी मात्रा में सामान ढोया जाएगा या ट्रेवल किया जाएगा, इस बात पर डिपेंड करेगा। दूसरा पॉइंट आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि सड़क के समीप स्थित गांव
या शहरों के विकास की प्रवृत्ति किस तरह की है। मतलब सड़क जो हमारे उसके पास में जो गांव है या जो शहर है उनका विकास किस तरह के नेचर का है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड एरिया है या डेवलपिंग है या बिल्कुल पिछड़ा इलाका है। भाई उस क्षेत्र के उद्योगों और खेती से संबंधित तत्वों की भविष्य में बढ़ोतरी की स्थिति के बारे में आपको जानना होगा। पहले उस क्षेत्र में सैनिक हलचल कैसी है, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति कैसी है, उस क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। भाई प्रति व्यक्ति औसत आय का भी अध्ययन किया जाता है, तभी आप इकोनॉमिकल स्टडी करके हाईवे प्लान करेंगे उस लोकेशन पर। भाई अगर आप किसी भी लोकेशन पर हाईवे प्लान कर रहे हैं तो कैसे करेंगे हाईवे प्लान, पहले ये जानेंगे ना वहाँ की इकोनॉमिकल स्थिति से हमारा हाईवे उस एरिया में सही रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है, वहां पर कितनी जनसंख्या को हमारे हाईवे से फायदा होगा, कितना सामान ढोया जाएगा वहां से, उस सड़क के पास में जो गांव पड़ेंगे जो शहर पड़ेंगे उनके विकास का नेचर कैसा है, ठीक है, उस क्षेत्र के उद्योग और खेती से संबंधित तत्वों की भविष्य में बढ़ोतरी की स्थिति क्या है, सैनिक हलचल कैसी है, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति क्या है, लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, प्रति व्यक्ति औसत आय का भी अध्ययन किया जाता है, ठीक। इसके बाद फाइनेंशियल स्टडी करेंगे आप। फाइनेंशियल मतलब रुपए की स्टडी। तो किसी भी परियोजना को पूर्ण करने से पहले भाई सबसे महत्वपूर्ण विषय है धन की समुचित व्यवस्था करना। पैसा है तभी आप हाईवे की प्लानिंग करें, पैसा नहीं है तो कैसे प्लानिंग कर पाएंगे, क्योंकि तो बना ही नहीं पाएंगे, प्लानिंग करने से क्या होगा। फिर विभिन्न प्रकार के वित्तीय साधनों जैसे यात्री कर, यानी जो आपका टैक्स लगता है भाई यात्री कर, इसके अलावा पेट्रोल कर, मतलब पेट्रोल पर जो टैक्स लग रहा है, सरकारी अनुदान इत्यादि बिंदुओं पर विचार किया जाता है। यदि सड़क प्रोजेक्ट बड़ा है तब कुछ वित्तीय एजेंसियों से भी आप वित्तीय सहायता ले सकते हैं, इसे लेने पर विचार कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टडी के बाद अगला आएगा आपका ट्रैफिक सर्वे। भाई सड़क परिवहन बनाते समय यातायात से संबंधित सर्वेक्षण किए जाते हैं, इसके अंतर्गत भाई कौन कौन से पॉइंट आएंगे आपके ट्रैफिक सर्वे में, आपको ये देखना है कि यातायात का प्रकार कैसा है, भीड़ चाल और सघनता कैसी है, भविष्य में यातायात के बढ़ने की संभावना का अनुमान लगाना है, उस क्षेत्र के रेल मार्ग, वायु सेवा और जल मार्ग की सुविधाओं पर भी विचार करना है। कहीं तो वहां पर रेल मार्ग तो नहीं है, रेल मार्ग है वहां पर तो ऑब्वियस सी बात है कुछ लोग रेल मार्ग तो लोकल जगह के लिए हाईवे का भी यूज करेंगे, ठीक है, कई बार होता है ट्रेनें लेट होते तब भी लोग हाईवे का यूज कर लेते हैं, और अगर बहुत अच्छी व्यवस्था है रेल मार्ग की वहां पर तो वहाँ हाईवे बनाने कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ पर लोग ट्रेवल करेंगे रेलवे से, लेकिन रेलवे तक पहुंचने के लिए भी आपको सड़क का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा ना। फिर वायुयान मतलब वायु सेवा कैसी है, वायु सेवा जहाँ पर होगी वहां पर भी रोड बने होते हैं बाहर ताकि वहां तक पहुंच पाए रोड के थ्रू, जल मार्ग की सुविधा, इन सब पे भी विचार करना होता है ट्रैफिक सर्वे में। भाई इंजीनियरिंग सर्वे में क्या करना होगा, अब आपको एज ए इंजीनियर उस जगह की जगह का सर्वे करना है, जगह किस तरह की है, रोड बनाने लायक है भी या नहीं, ठीक है, तो इसी सर्वेक्षण के आधार पर आपको क्या करना होता है, टोपोग्राफिक मैप तैयार करना होता है। भाई इसके अंतर्गत तो उस क्षेत्र की स्थल आकृति यानी जमीन कैसी है, वहां की मृदा का प्रकार कैसा है, सामर्थ्य कैसी है मिट्टी की, वर्तमान में सड़कों की स्थिति क्या है, वहाँ जल निकासी की व्यवस्था कैसी है, पुल पुलिया की स्थिति क्या है, इन सब बिंदुओं पर विचार किया जाता है इंजीनियरिंग सर्वे के अंतर्गत। लास्ट पॉइंट आएगा भाई इसमें आपका हाईवे लोकेशन, हाईवे को लोकेट करना है। हाईवे लोकेशन में भाई आपको प्लॉट करना होगा अलाइनमेंट, पहले संरेखण को नक्शे पे प्लॉट करना है, संरेखण नक्शे पे प्लॉट कर लिया, इसके बाद भाई आपको रिकोनोसेंस सर्वे करना है। रिकोनोसेंस सर्वे मतलब वहां जाकर के जमीन पर, और आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी जो जमीन है वो किस तरह की है, मतलब वहां से आपका रोड निकल रहा है तो वो जमीन आपकी रोड बनाने लायक है या नहीं। फिर आप भाई इसमें प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं, फिर डिटेल्ड सर्वे, ये चार पॉइंट आपको हाईवे लोकेशन में याद रखने हैं। पहले अलाइनमेंट को प्लॉट करना होगा मैप पर, उसके बाद भाई रिकोनोसेंस सर्वे करना होगा, पैमाइश करनी होगी वहां जाकर के, इसके बाद आपको फिर प्रिलिमिनरी सर्वे करना होता है, फिर डिटेल्ड सर्वे, ये चार पॉइंट है यहाँ पर। तो सबसे पहला पॉइंट था प्लॉटिंग द अलाइनमेंट, भाई सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इस क्षेत्र की स्थलाकृति का मानचित्र प्राप्त करके सड़क के लिए 2 या 3 अलाइनमेंट लाइन ऑफिस में बैठ के ही मानचित्र पर अंकित कर देते हैं। फिर आप सड़क संरेखण की जो अनुलंब ढाल है, जो ग्रेडियंट है, वो निर्धारित नियंत्रण ढाल से अधिक नहीं रखी जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। भाई जब आपने अंतिम चयन के लिए मानचित्र पर अंकित सभी अलाइनमेंट को साइट पर जाकर जांचेंगे,
मतलब प्लॉटिंग द अलाइनमेंट का मतलब है पहले आप सर्वे ऑफ इंडिया जो होती है, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही भाई उस जमीन का जहां पर हाईवे बनेगा उस जमीन का मानचित्र प्राप्त करके सड़क के लिए कम से कम दो तीन अलाइनमेंट ऑफिस में बैठ के तैयार कर लेने हैं। अलाइनमेंट आपके पास है, अलाइनमेंट को लेकर के आप जाएंगे भाई कहाँ पर, फील्ड पर जाके चेक करेंगे कौन सा अलाइनमेंट सबसे बेस्ट रहेगा। दूसरे में क्या करेंगे भाई, दूसरे पॉइंट में, दूसरे में रिकोनोसेंस सर्वे करेंगे, इसमें पूरी एक टीम भेजेंगे आप फील्ड पर, उनके हाथ में ये अलाइनमेंट वाला मैप होगा, सभी अलाइनमेंट को जाके चेक करेंगे फील्ड पर, जो सबसे बेस्ट होगा उसको डन कर देंगे। तो भाई मानचित्र पर लगाए गए सभी अलाइनमेंट को साइट पर जाकर जांचते हैं, इसके लिए एक अनुभवी इंजीनियर्स का एक दल यानी एक टीम वहां भेजी जाती है, जो क्षेत्र पर भाई क्षेत्र का दौरा करके आसपास की जो प्राकृतिक विवरण की सूचना है उसे इकट्ठा करते हैं। सड़क निर्माण के लिए समय, कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं उन पर भी विचार करके नोट कर लिया जाता है। भाई सर्वे में दो या अधिक संभावित मार्ग प्रस्तावित किए जाते हैं, जो अलाइनमेंट अपनाना संभव नहीं होता उसे छोड़ दिया जाता है। क्लियर। इसके बाद भाई आगे प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं। फिर अब क्या करेंगे, आपने पहले पॉइंट में प्लॉट किया था अलाइनमेंट, दूसरे पॉइंट में रिकोनोसेंस सर्वे किया जिसमें इंजीनियर्स की एक टीम गई, सभी अलाइनमेंट को चेक किया, जो सही नहीं था उसको छोड़ दिया, जो सही था उसे डन कर दिया। अब प्रिलिमिनरी सर्वे में क्या करेंगे, प्रस्तावित अलाइनमेंट, जो आपका प्रस्तावित संरेखण था, जो आपने डन किया अलाइनमेंट, उसका प्रारंभिक सर्वेक्षण करेंगे। प्रारंभिक सर्वेक्षण में आवश्यक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है भाई। इस सर्वे के दौरान उस क्षेत्र में स्थित नदी नालों की चौड़ाई, विसर्जन बाधाओं की ऊंचाई इत्यादि के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। इसके अंतर्गत वहां की मृदा का प्रकार, पहले से मौजूदा पुल, रेल मार्ग, सड़कों के बारे में भी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, और सभी प्रस्तावित सर्वे संरेखणों पर आने वाले आंकड़े और व्यय का पता चलने के बाद सबसे अच्छी और मितव्ययी अलाइनमेंट का चुनाव किया जाता है। ठीक है, अब भाई अलाइनमेंट का चुनाव हो गया, अब आपको डिटेल्ड सर्वे कर देना है। अब सबसे मितव्ययी और अच्छे चुने गए अलाइनमेंट पर डिटेल सर्वे करना है। इसके लिए आपको प्रत्येक 300 मीटर पर बेंचमार्क लगा देने हैं भाई, संरेखण पर प्रत्येक 30 मीटर पर आपको क्रॉस सेक्शन काट लेने हैं, 30 30 मीटर के क्रॉस सेक्शन काट के रोड डालते हैं हम। ठीक है, इसमें सभी प्रकार के सर्वे उपकरण, चैन, डंपी लेवल, ऑटो लेवल, थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन, इन सब का प्रयोग किया जाता है भाई। आपका डिटेल्ड सर्वे में सड़क की अनुप्रस्थ काट, पुल पुलिया के डिजाइन, नक्शे, सब कुछ इस्टीमेट तैयार किए जाते हैं भाई, ये सब कुछ तैयार किया जाएगा डिटेल्ड में। ठीक है भाई, डिटेल्ड सर्वे के बाद आपका ये चैप्टर हो गया खत्म, ये चैप्टर बच्चों खत्म हो गया आपका। ठीक है, अब वही टॉपिक पढ़ाते हैं जो पेपर में आएंगे। ठीक है, 3 चैप्टर तक हो गया ना आपका। ओके, कल पढ़ाइएगा। कितना टाइम हो गया, 12 बज गए। ठीक है, चलिए ठीक है। ओके, तो एक चीज सुन लीजिए भाई, कोई बात नहीं कल पढ़ा देंगे। देखिए 3 चैप्टर जो स्टार्टिंग के थे भाई, जो सबसे इम्पोर्टेंट थे, अगर मैं लेक्चर देख के आपको बताऊं, 1 मिनट रुक जाइए, मैं देख के बता रहा हूँ जस्ट अभी आपको। एक मिनट बस, 3 चैप्टर का मतलब हमने कितने लेक्चर लगभग कवर कर लिए जानते हैं, टोटल हमें 35 लेक्चर को रिवाइज करना है, और उनमें से जस्ट एक मिनट 16 17 लेक्चर हो गए होंगे रिवाइज अपने, मतलब आधे लगभग हो गए, आधा रिवीजन हो गया बच्चों अपना। तीन चैप्टर हो गए ना, और भी ज्यादा लेक्चर हो गए।
हाँ जी 17 दूनी 34, ठीक है 17 लेक्चर हो गए अपने रिवाइज। ओके 17 हो गए, 16 नहीं बेटा 17, 50% रिवाइज हो गया अपना, ठीक है। एक चैप्टर और करा दो, चलिए एक चैप्टर और कर लेते हैं। ओके हाँ एक चैप्टर और कर लेते हैं, ठीक है एक चैप्टर और कर लेते हैं। ओके 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 एक चैप्टर और कर लेते हैं ये वाला, फिर पीछे के छोटे छोटे चैप्टर बचेंगे, बहुत कम टाइम में कवर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे मेन मेन पॉइंट इसके। देखिए यहाँ पर क्या है, रोड मटेरियल है, वैसे ही पता होगा इसके बारे में तो आपको पहले से ही। रोड मटेरियल यहाँ पर आपसे कहा डिफरेंट टाइप ऑफ रोड मटेरियल्स बाई सॉइल एग्रीगेट बाइंडर, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तीन तरह के तो रोड मटेरियल पढ़ने हैं, सॉइल एग्रीगेट और बाइंडर के बारे में। एक सबसे इंपोर्टेंट आपका भाई कैलिफोर्निया वियरिंग रेशियो टेस्ट आएगा, बहुत इंपोर्टेंट है ये, CVR वैल्यू बहुत इंपोर्टेंट रहेगा, वेरी इंपोर्टेंट, इसको जरूर समझना अच्छे से। ये समझ लिया आपने तो आपको एक क्वेश्चन फिक्स हो गया, 5 नंबर का कंफर्म है, कैलिफोर्निया वियरिंग रेशियो पूछेगा ही पूछेगा। फिर मेथड भाई, CVR वैल्यू फाइंड करने का मेथड क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आगे क्या है आपको, यहाँ एग्रीगेट के बारे में पढ़ना है, एग्रीगेट के बाद फिर आपको वाइंडर्स के बारे में पढ़ना है, वाइंडर्स के बाद फिर आपको यहाँ पर रिसाइकल मटेरियल के यूज पेमेंट में क्या क्या ये पढ़ने हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है भाई, CVR बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब मटेरियल के यूज है, ठीक। तो सबसे पहली चीज तो ये है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रोड में हम कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं बच्चों, तो रोड में आपके ये सब मटेरियल यूज किए जाते हैं, सॉइल ग्रेवल सैंड मूरम कंकर बोल्डर ब्रिक्स, 7 तो ये हो गए। सड़क आप सबने देखी है, सड़क नीचे मिट्टी का भराव करते हैं, बजरी करते हैं यूज भाई, बालू यूज करते हैं, मूरम भी यूज कर लेते हैं, कंकर बोल्डर ईट के टुकड़े भी यूज कर लेते हैं। इसके अलावा अगर बाइंडर की बात करें, बाइंडर मतलब जो इनको बांध कर रखेगा पदार्थों को, उसमें सीमेंट भी आता है, बिटुमिन आता है, एसफाल्ट कोल तार, बिटुमिन एसफाल्ट कोल तार तीनों एक तरह के ही होते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है तीनों में, ठीक है। इसके बाद भाई आप यहाँ पर कटबैक और इमल्सन, टोटल मिला के 13 तरह के पदार्थ हैं जिनका आपको यूज करना होता है। प्लीज आप ध्यान से सुनिए कमेंट्स को रोक करके, ठीक थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, लास्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इन पदार्थों के नाम याद रखना, अगर आपसे पूछ ले रोड के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ यूज होते हैं, इन सब का नाम लिख के आ जाना है, सॉइल ग्रेवल सैंड मूरम कंकर बोल्डर ब्रिक्स सीमेंट बिटुमिन एसफाल्ट कोल तार कटबैक और इमल्सन। तो यहाँ पर 3 तरह के पदार्थ हैं भाई आपके, सबसे पहला सब ग्रेड सॉइल, यानी जो सड़क के नीचे मिट्टी डाली जाती है ना, वो सब ग्रेड सॉइल होती है भाई। सब ग्रेड सॉइल का मतलब क्या हो गया, सब ग्रेड सॉइल का मतलब है इसमें आपको मृदा या बालू, इन दो चीज का यूज करना है सब ग्रेड सॉइल के रूप में, जो मिट्टी का भराव करेंगे उसके रूप में, ठीक है। इसके बाद दूसरा रोड एग्रीगेट, तो भाई रोड एग्रीगेट के रूप में आप ग्रेवल मूरम कंकर बोल्डर या ब्रिक, इनका यूज कर सकते हैं। रोड एग्रीगेट मतलब आप सड़क मिलावे के रूप में, एक तो हो गया आप सब सॉइल मतलब सब ग्रेड सॉइल के रूप में आपने यूज कर लिया सॉइल का और सैंड का, एग्रीगेट के रूप में मिलावा आपको पता है सिटी में पड़ा है बजरी होता है अपना ग्रेवल, तो ग्रेवल की जगह मूरम कंकर बोल्डर ये सब भी यूज कर सकते हैं, या ईंट की रोड़ी भी हम यूज कर लेते हैं। अब आते हैं बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट है, बिटुमिन है, एसफाल्ट है, कोल तार है, ठीक है, और भाई कटबैक है, इमल्सन है, ये सब बाइंडिंग मटेरियल है। ये 3 तरह के मटेरियल थे आपके, जैसे इधर तो आपके लिखे हैं सब ग्रेड सॉइल में, तो ये दोनों आ गई है, बाकी सब यहाँ बाइंड वो आ गए एग्रीगेट, ग्रेवल मूरम कंकर बोल्डर ब्रिक्स, और ये सब बाइंडर है सीमेंट बिटुमिन एसफाल्ट कोल तार कटबैक इमल्सन। 3 तरह के पदार्थ है भाई, एक एक करके सभी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम सब ग्रेड सॉइल की, तो सॉइल कौन कौन से प्रकार की सॉइल यूज होती है भाई आपकी, तो सड़क को वर्षा के पानी और बाढ़ के पानी की वजह से कुछ ऊपर रखा जाता है इसकी भाई, जिसकी ऊंचाई कम से कम 60 सेंटीमीटर रखी जाती है, आपको पता है GL से और PL तक, सॉरी ये तो प्लिंथ लेवल नहीं, रोड लेवल फॉर्मेशन लेवल, सॉरी GL से ग्राउंड लेवल से फॉर्मेशन लेवल जो होता है उसके बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो भाई इसके लिए मिट्टी भरी जाती है, अगर आपको वर्षा का पानी है वो आसपास की जमीन का पानी सड़क पे ना आ जाए, उसके लिए सड़क को ऊंचा करना होगा, उसके लिए मिट्टी भरी जाती है। अब कौन कौन सी मिट्टी भर सकते हैं आप भाई, क्ले सैंड सिल्ट लोम ब्लैक कॉटन और पीट, जितने टाइप के आपको सॉइल के नाम याद है सब भर देना, 4-5 तो याद रखना है, क्ले सिल्ट सैंड
और ये तो आपको पता ही है, लोम दोमट मिट्टी जो होती है, मृत्तिका सिल्ट बालू दोमट, ये तो याद ही रखना। बाकी ब्लैक कॉटन सॉइल भी होती है, काली कपासी मिट्टी, इसे भी आप भर सकते हैं। अब इन सबको डिटेल में नहीं पढ़ना है बच्चों, अगर ये डिटेल में होंगी तो उन्हें हटा देना आप, ठीक है। बस यही थी कौन कौन सी सॉइल आपको भराव में यूज होती है, इनके नाम याद रखना, इनके गुण वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना हम जो सॉइल यूज कर रहे हैं सब ग्रेड के रूप में, भाई उसकी भार वहन क्षमता अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो मिट्टी है वो स्थिर रहनी चाहिए, कंपेक्शन इसका आसान होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, ये इसके कुछ गुण हैं। इसके अलावा आगे बात करें साइज का, आप सबको पता ही है बिकॉज SSC की ट्रिक से, यहाँ जरूरत नहीं थी उसकी। ग्रेवल, अब ग्रेवल पे आते हैं, सब ग्रेड सॉइल हो गई अपनी, अब आगे एग्रीगेट पर, एग्रीगेट में पहला ग्रेवल आता है, ग्रेवल का साइज क्या होता है बच्चों, बिकॉज SSC ट्रिक बताई थी क्ले का सबसे कम, फिर सिल्ट, फिर सैंड, ग्रेवल, ग्रेवल आपका 4.75 से और 80 mm होता है ग्रेवल, तो भाई 4.75 mm से बड़े और 80 mm से छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो बजरी ग्रेवल कहलाते हैं, ठीक है। ये पर्वतीय क्षेत्रों में बहते हुए नदी नाले की तली में मिलती है। ग्रेवल के बाद मुरम का भी यूज कर सकते हैं भाई, मुरम, मुरम दानेदार कड़ी पदार्थ होता है, ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन, ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, बस नाम याद रखिएगा, इनके बारे में अपने आप लिख देंगे आप, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पदार्थों के नाम याद रखना। विटामिन क्या होता है ये याद रखिएगा, विटामिन क्या होता है भाई, विटामिन, विटामिन का याद रखेंगे, विटामिन एक बंधक पदार्थ है, इसे डामर भी कहते हैं, ये कच्चे पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन, यानी विटामिन आपको पता है बाइंडिंग मटेरियल है भाई, इसे डामर भी कहते हैं, इतना भी पता है, बनता कैसे है विटामिन भाई, तो ये कच्चे पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से बनता है, इतना पता है भाई, प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थों को आप प्राकृतिक एसफाल्ट भी कहते हैं, और जब रिफाइनरी में बनाई जाती है तो इसको हम विटामिन कह देते हैं। विटामिन भाई काले भूरे रंग का होता है और ये सेमी सॉलिड अवस्था में होता है, इसमें हाइड्रोकार्बन का मिक्सर भी होता है। विटामिन भाई पानी में नहीं घुलता, ये गर्म करने में पिघलता है, 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यह जलने लगता है, इसे भाई स्टील के ड्रम में भर के सप्लाई किया जाता है, इसकी ड्रम की क्षमता लगभग 150 से 185 किलो होती है, विटामिन आपको पता है पहले से, ओके। विटामिन के बाद आगे भाई, विटामिन के बाद आगे याद रखिए, विटामिन की प्रॉपर्टी क्या क्या है, इसमें आसंजन का गुण होता है, इसमें जल प्रतिरोधकता होती है, कठोर होती है, श्यानता प्रभाव होता है, गलनांक, लचीलापन, विशिष्ट गुरुत्व, सहनशीलता, किफायती सामर्थ्य, सारे गुण होते हैं इसमें ये, ठीक है। विटामिन खत्म, विटामिन के बाद ये सब गुण नहीं पढ़ने डिटेल में आपको, इनके जस्ट नाम याद रखना, ओके। बहुत डिटेल में ये सभी गुणों को नहीं पढ़ना है आपको। विटामिन के बाद आ जाइए एसफाल्ट पर, एसफाल्ट क्या है भाई, विटामिन और एसफाल्ट में कितना अंतर है बच्चों, एसफाल्ट जो बनता है विटामिन में, अगर हम एल्यूमिना और चूने का मिक्सचर मिला देंगे तो एसफाल्ट बन जाएगा, विटामिन भी कच्चे पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से बन रहा था भाई, तो आपको पता है कच्चे पेट्रोलियम का प्राकृतिक रूप से प्रभाजी आसवन होने पर जो अवशिष्ट प्राप्त होते हैं उसे भाई एसफाल्ट कहेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें खनिज पदार्थ होते हैं एल्यूमिना और चूना, ये मिले होते हैं, यदि विटामिन में भाई ये खनिज पदार्थ मिला दिए जाते हैं तो एसफाल्ट बन जाता है, विटामिन में अगर हम खनिज पदार्थ एल्यूमिना और चूना मिला देते हैं तो ये एसफाल्ट बन जाता है, इसका निर्माण भी कच्चे पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से ही होता है, ठीक है। इसके बाद कोलतार क्या है, कोलतार भाई, कोलतार भी क्या है, कोलतार भी एक प्रकार का विटामिन ही है, लेकिन वो कच्चे पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से मिल रहा था, और ये मिलेगा आपको कोलतार भाई कोयले के भंजक आसवन से, भंजक आसवन कह दो या प्रभाजी आसवन कह दो, तो कोयले के प्रभाजी आसवन या भंजक आसवन द्वारा प्राप्त होता है। गहरे काले रंग का होता है भाई ये, इसमें चिपकने का भी गुण रहता है, और 90% ये विटामिन के तत्व होते हैं इसमें भाई, जब इसे साफ करके शुद्ध कर लिया जाता है तो इसे हम रोड टार भी कहते हैं, यह सड़क पर गिट्टी को बांधने के लिए यूज किया जाता है, कोल तार जो होता है, ठीक है। कोल तार, कोयले का भंजक आसवन का मतलब होता है वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया। अब कटबैक क्या है भाई, कटबैक, कट के फिर बैक हो गया ये, तो तेल शोधक कारखानों या रिफाइनरी, तेल शोधक कारखाने को ही रिफाइनरी कहते हैं, जब हम मिलावट को दूर करके पदार्थों को शुद्ध करते हैं ना, तो भाई मिलावट को दूर करके पदार्थों को शुद्ध करने वाले कारखाने को ही रिफाइनरी कहते हैं, उन्हें रिफाइन किया जा रहा है, रिफाइन मतलब अच्छा, री मतलब दोबारा, तो
रिफाइनरी में पदार्थों को दोबारा से अच्छा किया जाता है, दोबारा से शुद्ध किया जाता है। तो मिलावट को दूर करके पदार्थों को शुद्ध करने वाले जो कारखाने उन्हें रिफाइनरी कहते हैं। भाई रिफाइनरी में आसवन करते समय जो उड़नशील द्रव होते हैं भाई वो बाहर निकल जाते हैं, उन्हें तो कट कहते हैं। और भाई जब ये कट को पुनः अवशिष्ट में मिला दिया जाता है तो ये आपके कटबैक बन जाते हैं। मतलब जब आप कर रहे हैं रिफाइनरी में पदार्थों से अशुद्धियां दूर कर रहे हैं, उनमें से उड़नशील पदार्थ जो उड़ने वाले द्रव हैं वो निकल जाएंगे। अब उन्हीं उड़ने वाले द्रव को जो निकले थे उन्हें यूज कर लें किसी पाइप में, किसी कंटेनर में भर के और किसी अवशिष्ट में दोबारा से मिला दें तो वो कटबैक बन जाता है। कटबैक में 80% विटामिन होता है, 20% आपके सॉल्वेंट होते हैं। कटबैक को भाई बिना गर्म किए या थोड़ा गर्म करके भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद इमल्सन क्या होता है भाई, ऐसे दो तरल पदार्थ का मिश्रण जो एक दूसरे के साथ घुलनशील ना हो इमल्सन कहलाते हैं। इमल्सन मतलब जो आपस में घुले ना, ठीक है। ये तरल पदार्थ का मिक्सर है जो एक दूसरे के साथ घुलनशील ना हो, इमल्सन कहलाते हैं। जैसे पानी और तेल का घोल क्या है, इमल्सन है। आपस में मिलेंगे नहीं भाई ये, ठीक है, इमल्सन है भाई, आपस में ये क्या नहीं होंगे बच्चों, मिलेंगे नहीं। इसी प्रकार बिटुमिन और कोल तार के बीच में भी इमल्सन बनाए जाते हैं। इसके लिए पानी के साथ आप साबुन के घोल को मिला करके बिटुमिन इमल्सन बना सकते हैं। भाई इसमें 60% तो आपका बिटुमिन रहेगा, 1% इमल्सन तार रहेगा, बाकी सब पानी रहेगा। इससे आपका बिटुमिन इमल्सन बन जाता है। यानी जब आपके दो पदार्थ तरलीय पदार्थ आपस में मिक्स ना होते हों तो वो आपके इमल्सन कहलाएंगे। जैसे पानी और तेल का घोल आपस में मिलेगा नहीं, तेल ऊपर तैरने लग जाता है क्योंकि उसका घनत्व कम होता है, ठीक है। ऐसे हम बिटुमिन का इमल्सन भी बना सकते हैं जिससे आपका जो बिटुमिन है वो दूसरे पदार्थ के साथ घुलेगा नहीं, ठीक है। 60% बिटुमिन, 1% इमल्सन तार और शेष पानी आप यूज कर लेंगे। आगे भाई बिटुमिन और कोल तार में अंतर क्या है, तो ये कच्चे पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से बनता है और ये कोयले के प्रभाजी आसवन से बनता है। भाई इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, कोयले में ज्यादा होगी, कोल तार में ज्यादा होती है। भाई इसका जो रंग है काले भूरे रंग का होता है बिटुमिन, ये गहरे काले रंग का होता है। इनमें भाई विषैला नहीं होता बिटुमिन, जबकि कोल तार जो होता है इसमें भाई फिनोल की मात्रा के कारण ये कुछ विषैला होता है। बिटुमिन महंगा आता है, कोल तार भाई सस्ता पड़ता है क्योंकि कोयले से बन रहा है, ये कच्चे पेट्रोलियम से बन रहा था। भाई ये अधिक ताप पर पिघलता है, ये आपका कम ताप पर पिघलता है। इसमें कठोर होने में अधिक समय लगता है, ये जल्दी कठोर हो जाता है। इसमें बाइंडिंग जो प्रॉपर्टी है वो कम होती है, इसमें ज्यादा प्रॉपर्टी होती है कोल तार में बांधने की बाइंडिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद टेस्ट आ गए भाई, रोड मटेरियल पर टेस्ट कौन कौन से करने हैं हमें, तो हमारे सिलेबस में जो टेस्ट दे रखे हैं बच्चों उनकी बात करेंगे। यहाँ बहुत परेशान नहीं होना आपको, हमारे सिलेबस में जो टेस्ट है ये कोई भी टेस्ट नहीं पढ़ना आपको, आपको यहाँ पर टेस्ट जो पढ़ने हैं बच्चों सब ग्रेड सॉइल की टेस्ट सिलेबस में नहीं है। नाम याद रख सकते हैं, शियर टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट, बियरिंग कैपेसिटी टेस्ट, एक भी नहीं पढ़ना आपको। इसके बाद हमारे सिलेबस में भाई ये वाला है, ये सिलेबस में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट, CBR टेस्ट जरूर पूछेगा। 90% बोल रहे हैं पूछेगा ही पूछेगा भाई, 90% पूछेगा इसे जरूर, समझ पा रहे हैं, जरूर पूछेगा, सही से पढ़ के जाइएगा इसको। देखिए अब CBR टेस्ट होता क्या है, तो सब ग्रेड आप जानते हैं, सब ग्रेड मतलब रोड के नीचे वाली लेयर, भाई इसकी मिट्टी की कुटाई और स्थिरता ज्ञात करने के लिए CBR टेस्ट करते हैं। जो आपकी सब ग्रेड सॉइल है ना बेटा, सॉइल की कुटाई और इसकी स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी, इसको ज्ञात करने के लिए CBR टेस्ट किया जाता है। CBR टेस्ट को भाई सबसे पहले कैलिफोर्निया, आपको पता है USA का एक हाईवे डिपार्टमेंट ने, मतलब कैलिफोर्निया एक्चुअली जगह है एक USA में, तो इसके USA के यानी USA की जगह है कैलिफोर्निया, वहां के हाईवे डिपार्टमेंट ने 1929 में ये नियम विकसित किया था, ये टेस्ट विकसित किया था। तो पहली चीज याद रखिएगा कि CBR टेस्ट का इन्वेंशन किसने किया, इसकी खोज किसने की, तो कैलिफोर्निया के हाईवे डिपार्टमेंट ने 1929 ईस्वी में इसका विकास किया था CBR टेस्ट का। CBR टेस्ट भाई कार्यस्थल पर या फिर प्रतिदर्श को लैब में लाकर भी किया जा सकता है, मतलब इसे दोनों जगह कर सकते हैं, फील्ड पर भी और लैब में भी कर सकते हैं।
इसमें 150 mm व्यास का भाई एक मोल्ड होता है, उसमें आप उसमें भाई सॉइल सैंपल भरा जाता है मोल्ड में। अब भाई 50 mm व्यास के एक प्लंजर को 1.25 mm प्रति मिनट की दर से आप कंप्रेशन मशीन द्वारा सैंपल में धसाया जाता है। जब प्लंजर के 2.5 mm और 5 mm के धसने पर लगने वाले बल को नोट कर लेते हैं भाई, और मानक रिजल्ट जो होते हैं उनके लिए इस प्लंजर को पत्थर की गिट्टी में भी उसी दर से आप उतनी ही गहराई तक धसाते हैं, उस पर जो बल आएगा उसे नोट कर लेंगे। अब इन दोनों बलों का आप अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, जिसे सीवीआर वैल्यू कहते हैं। सीवीआर वैल्यू में आप परीक्षण वाला भार लेंगे, जो आपने मोल्ड लिया था, मोल्ड में आपने जो 50 mm व्यास का एक प्लंजर था इसको 1.25 mm प्रति मिनट की दर से कंप्रेशन मशीन में आपने मोल्ड रखा था, उसमें भाई इसको गिराया था प्लंजर को, और जब प्लंजर आपका 2.5 से 5 mm धस जाएगा, तो जितने बल लगाने पर ये 2.5 से 5 mm धस रहा था उस बल को नोट कर लेंगे, और स्टैंडर्ड लोड पता करने के लिए आप इसी सेम प्लंजर को पत्थर की गिट्टी में भी इसी रेट से धसाएंगे। किस रेट से? 1.25 mm प्रति मिनट के रेट से धसाएंगे। इसे धसाने पर जो बल आएगा भाई, जितने बल पर यह धसेगा या फेल होगा उसको नोट कर लेंगे, दोनों का अनुपात निकालेंगे, सीबीआर वैल्यू कहलाती है। अब भाई 2.5 mm धसने पर सीबीआर वैल्यू ज्ञात की जाती है, परंतु 5 mm धसने पर भी इसका मान जो है 2.5 mm धसने से अधिक हो तो ये मान भी ले लिया जाता है। बाकी मेनली 2.5 mm पे नोट करते हैं। अभी भी समझ नहीं आया तो मैं दोबारा समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। सामने बुक में 1928 दे रखा है, गलत दे रखा है, ठीक है, गलत दे रखा है। मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, सीबीआर टेस्ट को ध्यान से सुनेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें आप देख पा रहे हैं एक सांचा रहता है मोल्ड, यहाँ पर एक मोल्ड है ये, ध्यान दीजिए, थोड़ा टेस्ट याद करा देते हैं इसको। एक सांचा होता है आपके पास, ये हो गया मोल्ड। इस मोल्ड में 150 mm, मतलब ये डायमीटर है मोल्ड का 150 mm, इसमें सॉइल सैंपल भरा हुआ है, इसमें मिट्टी भरी है। इसके अंदर क्या भरी है बच्चों? मिट्टी भरी हुई है, सॉइल भरी हुई है, ठीक है, लिखा भी है सॉइल स्पेसिमेन। ऊंचाई वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ याद रखेंगे एक सांचा लेते हैं जो कि 150 mm व्यास का होता है, इसमें मिट्टी भर लेते हैं। इस सांचे को हमने क्या किया भाई, एक कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर रख दिया मोल्ड को। हमारी इस मशीन में क्या होता है, एक प्लंजर लगा होता है, प्लंजर आप देख पा रहे हैं, ये प्लंजर है, ये क्या है बच्चों? ये प्लंजर है, ये वाला प्लंजर, ठीक है भाई, प्लंजर है 50 mm व्यास का ये प्लंजर, क्लियर। आप इस मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा सरचार्ज रख सकते हैं, कुछ भार रख सकते हैं, वजन रखना चाहें तो रख दिया। यहाँ पर आपकी भाई ये एक प्रोवाइडिंग रिंग है जो कि लोड को मेजर करती है, यहाँ पर लोड को मेजर करने के लिए ये रिंग लगी हुई है, रिंग ये क्या करेगी, लोड मेजर करेगी। आप जब लोड लगाएंगे नीचे इस प्लंजर के माध्यम से इस सॉइल पे, ये प्लंजर नीचे धसेगा, तो आप नोट करेंगे जब ये प्लंजर इसके अंदर धस रहा है, तो ये जब 2.5 से 5 mm धस जाएगा, 2.5 mm से, और लगभग ये 5 mm इसमें धस गया प्लंजर, तो कितने लोड पर धसा है वो लोड आपको यहाँ पता चल जाएगा। लोड की वैल्यू, लोड कह दो या फोर्स कह दे रहा हूं मैं, फोर्स भाई जिस फोर्स पर, जिस लोड पर, या आप लोड कह दीजिए, लोड को हम डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डब्ल्यू से। तो कितना कंप्रेसिव लोड आपने लगाया जिस पर ये प्लंजर इस 150 mm के डायमीटर के अंदर, डायमीटर मोल्ड में जो सॉइल सैंपल भरा हुआ था इसमें 2.5 से 5 mm प्लंजर धस गया, जिस लोड पर धसेगा उस लोड को नोट कर लेंगे। दूसरी कंडीशन में हम सेम चीज रखेंगे, बस इस मोल्ड के अंदर सॉइल की जगह हम पत्थर ले लेंगे, पत्थर स्टोन, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या लेंगे हम भाई, पत्थर की गिट्टी ले लेंगे, स्टोन। हमने पत्थर का सैंपल लिया, उस पत्थर के सैंपल पे हमने स्टोन को धसाया, इसको प्लंजर को धसाया इस पत्थर के सैंपल में, धसाएंगे, धसाने पर जो लोड आएगा उस लोड को यहाँ पर भी नोट कर लेंगे। मान लीजिए ये जो है भाई, ये वाला आपका W1 है, ये W2 है, W2 ये तो कौन सा वाला है जो टेस्ट आप सॉइल सैंपल पर कर रहे हैं, वो वाला लोड, कि प्लंजर जब आपका 2.5 से 5 mm धस गया इसके अंदर कितने लोड पे धसा था नोट कर लिया। फिर आपने सेम, अच्छा किस रेट से धसाते हैं इसको, 1.25 mm प्रति मिनट, 1.25 mm प्रति मिनट की दर से धसाते हैं अंदर,
सेम इसी रेट से आपको स्टोन में भी प्लंजर को धसाना है। तो जितने लोड पर ये धसेगा ना, उस लोड को नोट करेंगे। तो सॉइल सैंपल पर जो आपका लोड आया था और स्टोन पर जो लोड है, इन दोनों का अनुपात निकाल देंगे, तो जो वैल्यू आएगी भाई वही कहलाएगा आपका सीवीआर वैल्यू। समझ आ रहा है भाई सब बच्चों को ये चीज? बोलिए समझ आ रहा है सबको ये? तो भाई सब ग्रेड की मृदा की कुटाई और स्थिरता ज्ञात करने के लिए सीबीआर टेस्ट किया जाता है, क्योंकि हम कुटाई तो कर रहे हैं एक तरह से, प्लंजर धसा रहे हैं, ठीक है? तो इसकी स्थिरता पता कर रहे हैं, कितना लोड सह पा रही है ये। सीबीआर टेस्ट को किसने विकसित किया? तो कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ने 1929 में विकसित किया था। सीबीआर टेस्ट भाई फील्ड पर भी कर सकते हैं, लैब में भी कर सकते हैं, सैंपल ले जाके। इसमें 150 mm व्यास का मोल्ड होता है और भाई जिसमें सॉइल भरी होती है, और 50 mm का एक प्लंजर होता है जिसको 1.25 mm प्रति मिनट के रेट से हम सॉइल सैंपल के मोल्ड में धसाते हैं। जब प्लंजर 2.5 mm से 5 mm धस जाएगा, तो भाई धसने पर जो लोड लगा है उस बल को नोट कर लेंगे। अब आप भाई मानक परिमाण के लिए इसी प्लंजर को पत्थर की गिट्टी में भी धसाएंगे इसी रेट से। तो धसाने पर भाई जो बल आएगा उसको नोट कर लेंगे, दोनों बलों का अनुपात निकालेंगे, टेस्ट वाले बल का और मानक बल का। मानक बल मतलब पत्थर की गिट्टी पे जो धसाने पे बल लगाया था और ये सॉइल में धसाने पे बल लगाया, इन दोनों के अनुपात को 100 से गुणा करके सीवीआर वैल्यू हमें मिल जाती है। मुझे लगता है ये सबको समझ में आ गया होगा भाई, सबको समझ आ गया ये चीज। तो सीबीआर टेस्ट आपका खत्म हो गया। इसके बाद आगे बात करें, कुछ वैल्यू है यहाँ पर, ये कौन सी वैल्यू है? स्टैंडर्ड लोड की वैल्यू है। अगर आप प्लंजर 2.5 mm धसेगा तो 1370 kg आपकी लोड, स्टैंडर्ड लोड की वैल्यू होगी। आप इसको याद रख सकते हैं, वैसे न्यूमेरिकल पूछेगा नहीं तो ज्यादा जरूरत है नहीं इसे याद करने की। सीबीआर टेस्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, यहाँ से देख सकते थे। अब भाई आपका टेस्ट आता है रोड मेटल के लिए। तो रोड मेटल के लिए जो टेस्ट होते हैं आपके, वो टोटल मिला के ये सभी टेस्ट हैं जो सीटी के अंदर आपने पढ़े हैं, ये आपको यहाँ नहीं पढ़ने, सिलेबस में नहीं है एक भी, ये कोई भी नहीं पढ़ना आपको, ये एक भी नहीं पढ़ना आपको, सब छोड़ देने, इनमें से एक भी नहीं पूछेगा, ठीक है बच्चों? सारे के सारे टेस्ट आपको छोड़ देने हैं। आगे बात करें बिटुमिन पर टेस्ट, तो बिटुमिन पे जो टेस्ट है बच्चों आपके सिलेबस में, वो एक तो टेस्ट है सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, पेनेट्रेशन टेस्ट, डक्टाइल टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट। आपको सिर्फ ये चार टेस्ट पढ़ने हैं बच्चों, बाकी एक भी नहीं पढ़ना। तो हम जल्दी से इन चारों टेस्ट को देख लेते हैं, छोटे छोटे हैं। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट क्या होता है बिटुमिन के लिए? मृदुकारी बिंदु परीक्षण, ठीक है भाई? ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो हटा दीजिए आप। चलिए तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट क्या होता है? बिटुमिन पर टेस्ट किया जाता है बच्चों ये, ठीक है? बाकी कैलिफोर्निया वाला सबसे इंपोर्टेंट था। तो बिटुमिन जिस टेम्परेचर पर सेमी सॉलिड अवस्था से तरल अवस्था में आ जाता है भाई, ये टेम्परेचर बिटुमिन का सॉफ्टनिंग पॉइंट कहलाता है बच्चों। इसे भाई रिंग और बॉल उपकरण द्वारा टेस्ट किया जाता है, रिंग बॉल द्वारा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पीतल का एक रिंग है 15 mm व्यास का, और इसके अंदर बिटुमिन भरी हुई है। ऊपर से 10 mm व्यास का आपने गोला रख दिया, एक बॉल रख रखी है यहाँ पर, ठीक है? तो पीतल की रिंग जो होती है भाई, वो कितनी? 15 mm व्यास की लेते हैं, और इसकी ऊंचाई जो है 6.4 mm होती है। इसमें बिटवीन भर के एक स्टैंड भाई, एक क्या होता है, एक स्टैंड द्वारा 25 डिग्री से, एक स्टैंड द्वारा, यहाँ द्वारा लिखा जाएगा भाई, एक स्टैंड द्वारा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले पानी में लटकाया जाता है। मतलब आपने क्या किया, आपके पास ये पीतल की रिंग है, इसमें बिटुमिन भरा हुआ है, आप इसको एक स्टैंड के द्वारा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले पानी में लटका देंगे इसको। अब आप बिटुमिन के ऊपर एक भाई स्टील का गोला रख देंगे 10 mm व्यास का। अब पानी को 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मिनट की दर से गर्म करते हैं। अब पानी गर्म होगा तो इसकी भाप बन के भाई बिटुमिन पर लगेगी, बिटुमिन भाई टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो पिघलना शुरू करेगा, पिघलना शुरू करेगा तो ये बॉल इसके अंदर धसेगी। तो पानी का ताप बढ़ने पर रिंग में बिटुमिन पिघलने लगता है और गोला रिंग में धसने लगता है। जब गोला धसता हुआ भाई बीकर की तली पर चला जाएगा, नीचे बीकर होगा, कुछ हाइट ऊपर उठा के रखते हैं इसको, तो चूंकि हाइट ऊपर उठा के रखा तो बीकर की तली में 2.5 mm नीचे होता है। तो बस आप ये चीज मत याद रखिएगा कितना इसका डायमेंशन है, इस डायमेंशन की आपको यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको इस डायमेंशन की कोई जरूरत नहीं बच्चों। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि जो आपका गोला था, जो गोला है आपका,
बिटुमेन में धंसता जाएगा, और जब ये तली को छूने लग जाएगा, क्या करने लग जाएगा भाई, तली को छूने लगता है तो उस टेम्परेचर को नोट कर लिया जाता है। ये टेम्परेचर ही बिटुमिन का भाई सॉफ्टनिंग पॉइंट कहलाता है। पेवमेंट के लिए सॉफ्टनिंग पॉइंट जो है 35 डिग्री सेल्सियस से और आपका 70 डिग्री सेल्सियस तक स्वीकार्य होता है। बात समझ आ रही है भाई सब बच्चों को? ये चीज क्या बताया आपको, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट जो होता है वो क्या होता है भाई? बिटुमिन जिस टेम्परेचर पे सेमी सॉलिड अवस्था से और सॉलिड सॉलिड अवस्था में आता है भाई, ये उस ये है तापमान, उस बिटुमिन का क्या होता है बच्चों, सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है। पहले बिटुमिन हमारा सेमी सॉलिड होता है, गर्म करेंगे तो फिर वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड स्टेट में आ रहा है वो उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है। इसके लिए एक टेस्ट करते हैं, इसमें एक 15 mm व्यास की एक रिंग लेते हैं, इसकी ऊंचाई 6.4 mm होती है, इसके अंदर बिटुमिन भर लेते हैं और इसको एक स्टैंड के द्वारा, स्टैंड से पकड़ के, और एक 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर वाले पानी के ऊपर रख देंगे। 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मिनट की दर से पानी का टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाएंगे तो भाई बिटुमिन आपका गर्म होगा, पिघलने लगेगा, बिटुमिन पिघलेगा, इसके ऊपर जो बॉल रखी है हमने 10 mm व्यास की बॉल, इसके अंदर धंसने लगेगी। जब बॉल जो है इसकी तली तक पहुंच जाए, कहां तक, बीकर की तली तक पहुंच जाए, तली तक पहुंचने पर जब ये तली को छूने लग जाएगी तो उस समय टेम्परेचर को नोट कर लेंगे, वो टेम्परेचर ही बिटुमिन का सॉफ्टनिंग पॉइंट कहलाएगा। टेस्ट खत्म। अगला टेस्ट है भाई यहाँ पर आपका पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट में क्या करेंगे, ये भी बिटुमिन का पेनिट्रेशन टेस्ट है भाई। पेनिट्रेशन टेस्ट के द्वारा बिटुमिन की कठोरता निकाला जाता है, इससे बिटुमिन का ग्रेड भी पता चल जाता है। ये टेस्ट भाई पेनेट्रेशन टेस्ट जो है वेधन मापी द्वारा करते हैं, यानी पेनेट्रेशन टेस्ट जो करते हैं हम, पेनेट्रेशन टेस्ट को हम एक उपकरण के द्वारा करेंगे जिसका नाम होता है वेधन मापी, यानी पेनेट्रोमीटर कह दीजिए आप, तो इससे किया जाता है भाई। इसमें क्या होता है, इसमें 1 mm मतलब इस जो 1 mm के 10वें भाग तक का वेधन चेक कर सकता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, सबसे पहले पेनेट्रेशन टेस्ट बिटुमिन की कठोरता निकालने के लिए करते हैं, इससे बिटुमिन का ग्रेड भी पता चलता है। ये टेस्ट वेधन मापी से किया जाता है, जो 1 mm के 10 mm मतलब 10 भाग तक का वेधन निकाल सकता है भाई। सबसे पहले क्या करेंगे आप, वेधन जो आपका बिटुमिन का पेनेट्रेशन टेस्ट है, आप इसमें इसका जो भार है वो वेधन सुई के साथ लगभग 100 ग्राम होता है, यानी जो आपका उपकरण होता है बच्चों, जो आपका वेधन मापी होता है, इसका वेट कितना होता है, सुई के साथ में 100 ग्राम होता है। सुई को मिला करके 25 डिग्री सेल्सियस से भरे बीकर में, एक बर्तन में भाई 25 डिग्री सेल्सियस पानी से भरे बीकर में एक बर्तन में बिटुमिन की सतह पर सुई सेट करके छोड़ दिया जाता है। मतलब नीचे का आपने कोई भी बर्तन ले लिया, उसमें पानी भरा हुआ है, उस पानी का टेम्परेचर बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और उसमें आपने ऊपर से एक किसी मोल्ड की सहायता से बिटुमिन भर लिया, इसके ऊपर रख दिया, ऊपर से आपने अपने पेनेट्रेशन टेस्ट की नीडल को इसके ऊपर सेट कर दिया। अब नीडल को सेट करने के बाद क्या करेंगे भाई, अब आप करेंगे क्या, बिटुमिन की सतह पर सुई सेट करके इसको छोड़ देंगे, और 5 सेकेंड बाद जो आपका वेधन मापी होता है इस पर सुई की जो रीडिंग है भाई, धसने की रीडिंग, उसे mm के 10वें भाग में ज्ञात कर लेंगे। इसी को हम इसका वेधन मान कहते हैं कि कितना धस गया ये इसके अंदर, इसको नोट कर लेंगे, इसको पेनेट्रेशन वैल्यू कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद अगला टेस्ट आपका जो आएगा इसमें डक्टिलिटी टेस्ट, बहुत आसान है ये। आपका कोई भी स्पेसिमेन है, इस पे आप टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, लेकिन ये टूटेगा नहीं, लंबाई में वृद्धि होती जाएगी, पहले पतला होगा फिर लास्ट में आके टूट जाएगा। तो बिटुमिन पदार्थ की ससंजकता और प्रत्यास्थता ज्ञात करने के लिए टेस्ट किया जाता है भाई, तन्यता परीक्षण जो है डक्टिलिटी टेस्ट। इसके अंतर्गत हम बिटुमिन का एक ब्रैकेट बनाकर, ब्रैकेट मतलब इस तरह का एक स्पेसिमेन बनाकर, उसके दोनों सिरे से, उसे दोनों सिरे से पकड़कर तन्यता यंत्र में कस दिया जाता है। डक्टिलिटी का एक यंत्र होता है, उसमें कस देते हैं। अब आप 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से इसे खींचते हैं, कितनी रेट से खींचेंगे भाई, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से खींचा जाता है। इससे ये धागों में खींच मतलब धागे के रूप में खींच जाएगा, पतला हो जाएगा बहुत, फिर ये टूट जाता है। तो टूटने से ठीक पहले अधिकतम लंबाई में बिटुमिन की तन्यता कहलाएगी, कितनी वृद्धि हुई है इसकी लंबाई में, यानी टूटने से पहले इसकी अधिकतम लंबाई में जो वृद्धि होती है वो भाई इसकी तन्यता कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है।
समझ आ रहा है सब बच्चों को? तो ये आपको सिर्फ इतना इसके बारे में याद रखना था। डक्टिलिटी टेस्ट भी बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। एक है विस्कोसिटी टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है? फिर भी पूछ ले तो आप पढ़ लीजिएगा कि ये टेस्ट कोल तार, कट ब्रेक आदि का गाढ़ापन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कम श्यानता वाला कोल तार या कट ब्रेक गिट्टी के चारों तरफ बंधक परत प्रदान करता है। इस टेस्ट के तली में एक छिद्र भाई छिद्र वाले पात्र में कोल तार भर करके 15.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले एक जलागार में रख देंगे, जल वाले बर्तन में रख देंगे इसको। इसके बाद क्या करेंगे, छिद्र से कोल तार टपक कर नीचे रखे जार में जमा किया जाता है। इस जार में टपक टपक के नीचे आता रहेगा और 50 ml प्रतिदर्श गिरने पर जो समय लगता है वो समय नोट कर लेते हैं। कोल तार के टपकने में जितना अधिक समय लगता है उसकी श्यानता समझ लो उतनी ज्यादा होगी। ये टपक के जल्दी भर जाएगा, इसमें कम टाइम लगेगा तो श्यानता कम है, ज्यादा देर में भरेगा तो श्यानता ज्यादा होती है, ठीक है भाई? आप विटामिन मॉडिफायर्स कौन कौन से होते हैं भाई? विटामिन मॉडिफायर में आपके एक फिजिकल मॉडिफायर मतलब जो विटामिन की प्रॉपर्टीज को क्वालिटी को इम्प्रूव कर दे, ठीक है? तो विटामिन मॉडिफायर विटामिन के सॉफ्टनिंग पॉइंट को बढ़ावा देते हैं और अनेक प्रकार के विटामिन की एक बड़ी विभिन्नता को कम कर देते हैं। ये कम टेम्परेचर पर होने पर भी विटामिन को बांधे व फ्लेक्सिबल बनाए रखता है, इसमें सुधार करता है भाई। इसे पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग करके आसानी से मिलाया जाता है। सीधे याद रखना, विटामिन मॉडिफायर वे पदार्थ होते हैं जो विटामिन की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर देते हैं, इसके गुणों में सुधार कर देते हैं, संशोधन कर देते हैं। मॉडिफायर जो होते हैं भाई आपके फिजिकल मॉडिफायर होते हैं, केमिकल मॉडिफायर होते हैं और कुछ अदर टाइप के भी मॉडिफायर होते हैं, ठीक है? आगे भाई, सबसे पहले इसमें एक आता है आपका CRMB यानी क्रम रबर मॉडिफायर विटामिन। तो क्रम रबर मॉडिफायर विटामिन क्या होता है? तो भाई जो आपका CRMB होता है विटामिन और संशोधक के एक सेलेक्टेड ग्रेड का एक मिश्रण होता है। ये किस किस का मिश्रण है बच्चों? ये विटामिन का और जो संशोधक है मॉडिफायर है उसके सेलेक्टेड ग्रेड का मिश्रण होता है। इसमें रबर जो होता है, चूंकि नाम ही है क्रम रबर, तो भाई ये रबर जो है मॉडिफायर का उपयोग किया जाता है, मतलब रबर मॉडिफायर के रूप में यूज किया जाएगा। विटामिन बांधने के लिए आवश्यक विस्को इलास्टिक संतुलन को संतुलित करता है और ये कम टेम्परेचर और प्रसार के कारण होने वाले क्रैकिंग में भी सुधार करता है। CRMB जो है इसमें अच्छे आसंजन यानी गुड अडेजन के कारण विभिन्न प्रकार के मिलावे में टूटन और विरूपण जो होता है इसको कम करता है। कहने का मतलब क्या है, जो आपका CRMB होगा क्रम रबर मॉडिफाइड विटामिन, तो ये एक प्रकार का विटामिन और मॉडिफायर का सेलेक्टेड ग्रेड का मिक्सर होता है। इसमें मॉडिफायर के रूप में रबर का यूज किया जाता है। ये जो होता है भाई ये कम टेम्परेचर और प्रसार की वजह से क्रैकिंग में भी सुधार करेगा। इसमें भाई अच्छे आसंजन का गुण होता है, ठीक है? ये जो होता है भाई ये टूटने और विरूपण को भी कम करता है। दूसरा आता है इसमें हमारा एक और, इसके यूज क्या क्या है पीछे आप देख चुके हैं, ठीक है? इसके बाद दूसरा जो आता है आपका एप्लीकेशन है इसके, ये देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। एक PM भी होता है, पॉलीमर मॉडिफाइड विटामिन। पॉलीमर का प्रयोग विटामिन संशोधक के रूप में करेंगे तो आपका वो पॉलीमर मॉडिफाइड विटामिन कहलाएगा भाई। मॉडिफाइंग एजेंट के रूप में जो आप पॉलीमर का ज्यादातर यूज करते हैं, ये विटामिन में भौतिक रासायनिक और भौतिक गुणों को बढ़ावा देने का कार्य करता है। ये अलग अलग टेम्परेचर और मौसम या फिर उच्च यातायात के प्रति अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। पॉलीमर की प्रकृति के आधार पर ये जो मॉडिफायर है भाई ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनके जस्ट नाम है ये। एक होता है आपका इसमें प्लास्टोमर्स और एक इलास्टोमर्स। प्लास्टोमर्स में EVA आता है, इलास्टोमर्स में SBS आता है, ठीक है? बस ये खत्म। अब इनके लाभ हैं कुछ, क्या फायदे हैं इनके और भाई इनके कुछ यूज हैं, उसके बाद ये खत्म। बच्चों खत्म हो गया, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, ठीक है? अब आपका बस ये है, यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल इन रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन में वेस्ट मटेरियल का यूज कैसे करेंगे, इन्हें अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं, ठीक है? खत्म हो गया आपका ये चैप्टर भी बच्चों, चार चैप्टर खत्म हो गए, यानी हमने 35 में से 20 लेक्चर का रिवीजन पूरा कर लिया कंप्लीट, ठीक है भाई? ये सभी लिख देंगे ना इसके बारे में कि आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका रोड कंस्ट्रक्शन में कैसे यूज करेंगे। तो बढ़ती आबादी के साथ गैर क्षयकारी अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण
आप डिस्पोजल के लिए प्रमुख संकट बना हुआ है, मतलब इनका निपटान नहीं होता है। इस समस्या से निपटने के लिए एक ही सबसे उपयुक्त तरीका है कि इन सभी अपशिष्ट पदार्थों का पुनः प्रयोग कर लिया जाए। अब इनके फायदे क्या है? तो घरों और औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जो है वेस्ट मटेरियल, इनको सड़क निर्माण में एक अल्टरनेटिव मटेरियल के रूप में आप यूज कर सकते हैं। ये भाई ये पदार्थ सस्ते होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या में भी काफी सुधार आ जाएगा ऐसा करने से। रोड के नीचे भर दो आप कचरा वगैरह फालतू का, कचरे के निपटान के लिए भी एक प्रभावी समाधान प्राप्त हो जाएगा, सड़क निर्माण लागत में भी कमी आ जाती है। यही पॉइंट आपके इंग्लिश लैंग्वेज में लिखिएगा यहाँ पर। आपके अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से टाइप के होते हैं? तो पेविंग वेस्ट मटेरियल होते हैं, इंडस्ट्रियल एस मटेरियल होते हैं, और प्लास्टिक और भाई प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल होते हैं। चार चैप्टर आपके कंप्लीट हुए, यानी कि जो आपके 35 लेक्चर थे, 35 लेक्चर ऐप पर आपके टोटल पेड कोर्स में 35 लेक्चर थे बच्चों, उनमें से आपके 20 लेक्चर रिवाइज हो गए। ठीक है, कितने बच्चों? 20 लेक्चर रिवाइज हो गए। अब कितने लेक्चर बचे हैं रिविजन के लिए? अब सिर्फ आपके बचे हैं बाकी के 15 लेक्चर शेष हैं, इन्हें हम कल रिवाइज कर लेंगे। ओके ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट वाला पीडीएफ मैं अभी के अभी आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, और ये पीडीएफ आपको मैं यहाँ तक का स्टडी मटेरियल में डाल रहा हूँ, फ्री वाले पीडीएफ में। अगर एक आध दो साथी आपके जो ठीक ठाक बच्चे हों उन्हें आप पीडीएफ देना चाहें तो दे दीजिएगा, मैं इनको उसमें डाल दे रहा हूँ स्टडी मटेरियल वाले में। ठीक है, बिल्कुल तुरंत अपलोड कर रहा हूँ बच्चों पीडीएफ तुरंत। लेक्चर तो शायद अभी अपलोड नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको आने में आधे घंटे का एक घंटे का टाइम लग सकता है लेक्चर को। ये लेक्चर सुबह तो मिल सकता था, यूट्यूब पर होता तुरंत मिल जाता। ठीक है, लेकिन अब मैं कहूंगा भी आपसे कि अब और मत पढ़िए रात को, ज्यादा टाइम हो गया, कल पेपर है आपका तो दिक्कत हो जाएगी दिन में। तब सो जाइएगा आप सभी, सुबह को 8 बजे दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, कितने टाइम बाद हो जाएगा पीडीएफ? तो अभी अपलोड हो जाएगा बेटा, लेक्चर में टाइम लगेगा क्योंकि ऐप पर लेक्चर है ना ये, तो तुरंत रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं आएगा, मे बी सुबह हो जाएगी, तो अभी तो शायद नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इतना मैं कोशिश करूंगा जल्दी उठ के सुबह 4-5 बजे इस लेक्चर को अपलोड कर दूंगा अगर आ जाएगा तो। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच, खत्म हो गया अपना ये वाला आप 4 चैप्टर यानी 20 लेक्चर का रिवीजन, बाकी 15 लेक्चर का बचा है। जिन बच्चों ने ऐप पर कोर्स लिया था, मतलब आप सभी ने लिया था, तो उनको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आई होंगी आसानी से। तो एक बार अपने जितने भी साथी हैं यूट्यूब वाले उनसे बात कर लीजिएगा, अगर वे अच्छे ढंग से सही तरीके से पढ़ना चाहें तो बता दें, तो आपको जो सर्वे का रिवीजन है वो यूट्यूब पर करा दिया जाएगा। मैं कभी नहीं चाहता कि बच्चों का लॉस हो, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत गलत हरकत करते हैं उसकी वजह से भाई। चूंकि अगर आप सभी अच्छे से जानते बच्चों, डिसिप्लिन जहाँ होता है पढ़ाई भी वहीं होती है, हर चीज हंसी मजाक में नहीं ली जाती। ठीक है, आप जो भी है उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं एक दूसरे से, करिए, बट एक टीचर के सामने ऐसा करना सही नहीं होता, भले ही आपकी एज के हैं लेकिन जब पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए एक टीचर हुए। ठीक है, उस चीज का एक छोटा सा ध्यान रखना होता है सबको। तो बात कर लेना आप सब बच्चों से, रिस्पॉन्स दे देना हमें, हाईवे का एग्जाम आपका डेफिनेटली बढ़िया होगा, सारे टॉपिक हम रिवाइज कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि बेस्ट जाएगा आपका पेपर सभी का। ठीक है, यही लेक्चर यूट्यूब पर हो जाता सबका भला हो जाता इससे। लेकिन अब चूंकि ऐसा करने से ही है ना कि अब बच्चों में सुधार आएगा थोड़ा, हालांकि प्लेटफॉर्म बहुत है, सब पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बिना डिसिप्लिन के कभी पढ़ा नहीं सकते बच्चे। हम अगर हर तरह की छूट बच्चों को देने लगे तो हम फिर टीचर नहीं माने जाएंगे। ठीक है, और हम यहाँ बिजनेस करने नहीं आए, सही मायने में देखा जाए तो ठीक है पैसा जरूरत होती है इंसान की, लेकिन रिस्पेक्ट भी जरूरी है। ठीक है, उसके लिए मेहनत करते हैं रात दिन। अब अगर हमारे सामने आप गर्ल्स को उल्टा सीधा बोलेंगे फिर हमारी कहाँ रिस्पेक्ट हो रही है? वो आपको लग रहा है आपके चैट हमें दिखाई नहीं देते, एक एक चैट दिखता है भाई, आप इतने गंदे शब्द यूज कर रहे थे आप नहीं, मतलब और भी बच्चे होंगे, हो सकता है आप में से भी कोई हो यहाँ शांत बैठे हो, तो वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आपका हंसी मजाक का जरिया आप अलग कीजिए, पर्सनल मैसेज कीजिए, बहुत सारे ग्रुप से वहां जाके कीजिए, हमारे ही सामने क्यों मत कीजिए, ऐसा हमारे सामने नहीं कीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल सुबह दोबारा 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।